खवातीन के लिए जो है ना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो फील्ड है वो आइडियल फील्ड है, क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसकी जॉब करेंगे तो भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इस वक्त फ्रीलांसिंग, सब लोगों ने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। फ्रीलांसिंग की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स इस वक्त आ चुकी हैं, जिसमें अपवर्क और फाइवर शामिल है, उसमें क्या होता है कि जी एक वेबसाइट होती है, उसमें किसी बंदे ने अगर कोई काम करवाना होता है, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना होता है, किसी को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऐसा काम करवाना होता है जो आप जानते हैं करना, तो वो आके ना वहाँ पे एक इश्तिहार लगाता है, जैसे फेसबुक की पोस्ट होती है ऐसे वो एक इश्तिहार लगाता है कि जी मेरा ना ये बिज़नेस है और मैंने जो है मेरी ये वेबसाइट बना दें आप, या मेरा ये चैट बॉट बना दें, क्योंकि इस कोर्स में हम चैट बॉट पढ़ रहे होंगे मेनली, तो मेरा ये चैट बॉट बना दें कि मेरी जी कॉफ़ी की शॉप है, जब मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा आए ना तो इस चैट बॉट से वो बात करे और ये चैट बॉट उसको कॉफ़ी के रेट वगैरह और किस कॉफ़ी में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना, और कब शॉप खुलती है, टाइमिंग वगैरह, एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो उसको बता रहा हूँ जो चैट बॉट है। तो मुझे इस तरह का भी मिसाल के तौर पर चैटबॉट बनाना है, तो वो उस वेबसाइट पे आके ना इश्तिहार लगाते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को ये काम करना आता है वो आके वहाँ पे कमेंट करते हैं कि जी हम ये काम कर सकते हैं, और अपने अपने रेट लगाते हैं कि जी मैं इतने पैसों में कर दूंगी या मैं इतने पैसों में कर दूंगा। अच्छा, फिर वो बंदा जो होता है जिसने इश्तिहार लगाया होता है, वो सारे कॉमेंट्स को पढ़ता है और उसके बाद फिर कुछ लोगों का इंटरव्यू करता है और उसमें से किसी एक को वो जॉब अवॉर्ड कर देता है, ठीक है। फिर वो आप जॉब कंप्लीट करते हैं, आप जॉब करके सबमिट करते हैं वापस उसको, ठीक है। अच्छा, दो नंबरी इसमें नहीं हो सकती इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में, ये दो प्लेटफॉर्म का मैंने नाम बताया, बाकी प्लेटफॉर्म्स की मैं बात नहीं कर रहा, अपवर्क और फाइवर, इसमें दो नंबरी नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि जिस वक्त वो जॉब पोस्ट करता है उसी वक्त अपवर्क उससे पूरे पैसे ले लेता है, ठीक है। जितने जब जॉब वो आपको अवॉर्ड करता है तो उस वक्त अपवर्क उससे पूरे पैसे लेके अपने पास जमा कर लेता है, उसको वो कहते हैं एस्क्रो है, हमारा एस्क्रो है कि जी वो पैसे जमा होते हैं। अब ना उसके पास पैसे हैं ना आपके पास पैसे हैं, पैसे जमा है बीच में, पहले पैसे जमा करवाएगा वो, उसके बाद किसी को वो जॉब देगा। अच्छा, जॉब आप कंप्लीट करके जब सबमिट करते हैं तो अपवर्क वैसे तो वो खुद उसको अप्रूव करेगा, जो क्लाइंट है ना जिसके लिए आपने काम किया है वो खुद उसको अप्रूव करता है कि जी ये काम सही ओके हो गया, और वो पैसे आपके रिलीज़ कर देता है। जस्ट इन केस अगर वो कहता है कि नहीं जी ये तो आपने काम ठीक नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि जी मैंने तो ठीक किया काम, तो बीच में फिर अपवर्क की टीम आती है, वो स्क्रॉ करती है बीच में आके कि वो फैसला करती है कि जी अच्छा क्या सही है और क्या गलत है। तो दो नंबरी का इसमें कोई चांस नहीं है। तो आप, दोबारा बता रहा हूँ मैं, अपवर्क फाइवर, जिसको काम करवाना होता है वो आगे इश्तिहार लगाता है कि जी ये मैंने काम करवाना है, इतने पैसे मैं दे भी सकता हूँ, वो लिख भी देता है साथ। फिर बाकी सारे आप जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो उस पर आके कॉमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि जी ये मैं काम कर सकता हूँ, और अपना अपना आप वो भी दिखाते हैं, ज़ाहिर है आपको उसको वो भी यकीन भी दिलाना है ना कि जी वाकई आप ये काम कर सकते हैं, तो अपने क्रेडेंशियल्स भी आप साथ में उसके कॉमेंट में लिख रहे होते हैं कि जी मैं तो 10 साल से सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, और ये पहले वेबसाइट मैंने बनाई है, इसका URL मैंने दिया है आपको, आप खोल के चेक करें, मैंने तो बड़ी अच्छी वेबसाइट, तो आप इस तरह पूरा वो लिखते हैं कमेंट के अंदर। फिर वो क्या करता है, उन कमेंट्स में से कुछ लोगों का इंटरव्यू करता है और किसी एक को वो जॉब अवॉर्ड कर देता है। आप जॉब को कंप्लीट करते हैं, आप उसको वापस सबमिट करते हैं, पैसे आपके रिलीज़ हो जाते हैं, आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसे बड़ी आसानी के साथ अब आ जाते हैं। कि किसी ज़माने में ये मसला हुआ करता था पैसे बाहर से आने का, अब कोई मसला नहीं है, अब बहुत स्मूथ हो चुका है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये और स्मूथ होगा। तो हमने ये देखा कि ये वो काम है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं जाके जॉब करने का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों के अंदर इस वक्त सॉफ्टवेयर की कंपनीज खुल चुकी हैं जिनका काम मेनली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, यानी वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाते हैं और उसको बाहर मुल्कों की कंपनीज़ को फरोख्त करते हैं, ज़ाहिर है उनके काम की चीज़ होती है तो वो उसको ख़रीद लेते हैं और अपने पास इस्तेमाल करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट मेनली कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ खुल चुकी हैं। इवन जो शारा फैसल पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर वंसलाम जी तशरीफ, तो वहाँ पे वो लाइन से सारे सॉफ्टवेयर हाउस खुल चुके हैं। लाहौर के अंदर आप जाएँ तो हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर की कंपनी वहाँ पर खुली हुई है। तो जाके भी काम करने का ऑप्शन है, जो लड़के जाके काम कर सकते हैं वो करते हैं, जो लड़कियां भी अगर जाने का ऑप्शन आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप जाके और जो है ना वहाँ पे ऑन साइट भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। लेकिन मैं ये पॉइंट मेरा ये था जो मैं बता रहा था शुरू में, कि सबसे पहले जो आप लोगों के लिए समझने की बात है ना कि IT की जो फील्ड है ये आप लोगों के लिए आइडियल है, सही है। और जो फैसिलिटी, जो फ्रीडम
जो लिबर्टी आपके पास इस फील्ड के अंदर आपको मिलेगी ना, वो किसी और फील्ड में नहीं मिलेगी। आप अगर मिसाल लें कि जी केमिस्ट्री कोई पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है या कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई आप खाना पकाना सीख रहा है इवन, तो अब खाना पकाना सीखने के लिए तो घर पे प्रैक्टिस कैसे होगी उसकी? पूरा किचन चाहिए ना उसके लिए, तो पूरा किचन चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो आपको उस खाने के लिए चाहिए। अब वो पता नहीं कहाँ से मिले, दूर से लाना पड़ता है समटाइम। तो या कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, उसको जो वो पढ़ाई करके आया है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसको एक रियल बंदा चाहिए ना जिस पे वो प्रैक्टिस करेगा, और बड़ा मतलब मोहतात भी रहना पड़ेगा उसको कि एक इंसानी ज़िंदगी की बड़ी अहमियत होती है, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कंप्यूटर साइंस में ये सारे मसले हैं ही नहीं, इसमें चाहिए सिर्फ एक कंप्यूटर, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो किसी भी किस्म का कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप बड़ा वाला हो या लैपटॉप, आजकल छोटे छोटे आ गए हैं तो जेब में रख के घूम लो, तो लैपटॉप है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बिजली वगैरह का भी इशू नहीं होता, इसमें चार्जिंग होती है, 2-3 घंटे चल जाती है। तो कंप्यूटर हो एक और इंटरनेट का कनेक्शन हो। इंटरनेट का कनेक्शन भी अब पाकिस्तान के अंदर इतना इशू इसका अब नहीं रहा है क्योंकि ये 4G वगैरह की डिवाइसेस भी आ गई हैं। अब जहाँ रिमोट एरियाज़ में वो तार वाला कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे 4G की डिवाइस चल जाती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है लेकिन मौजूद है, और जहाँ पे तार वाले कनेक्शन है तो वेल एंड गुड, फाइबर वाले अब कनेक्शन आ गया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना वो फाइबर जब तक नहीं आया था तो यह होता था कि आपका इंटरनेट लगा होता था वो हर 2-3 महीने पे वो लाइन ब्रेक हो जाती थी उसकी, या वो तार लूज़ हो जाती थी तो वो इंटरनेट चलना बंद हो जाता था। फाइबर वाला जो इंटरनेट है उसमें ये मसला नहीं है क्योंकि उसमें तार नहीं होती, एक्चुअली वो ग्लास बारीक सी वो ग्लास का जो है ना उसके अंदर एलिमेंट होता है जिसके ज़रिए वो डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसमें तार नहीं होती तो वो बारिशों से उसको कोई इशू नहीं होता, धूप वगैरह से भी उसको कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता। तो एक कंप्यूटर एक इंटरनेट का कनेक्शन। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है? एक लैपटॉप इस वक्त जो आप लेंगे ना, यानी एवरेज लैपटॉप, मतलब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल गुजारा करवाए, एवरेज वे लैपटॉप वो जिस पे आप सारे काम कर सकते हैं आसानी के साथ, वो 30-40 हज़ार का मिल जाता है आराम से, ठीक है। मैं न्यू की बात नहीं कर रहा, मैं जो पुराना जो मार्केटों में जो मिल रहा होता है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 30-40 हज़ार में आपको मिल जाता है बड़े आराम से। अच्छा, तो वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है मेरे ख्याल में। क्यों हर कोई अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि यार आजकल मोबाइल फ़ोन भी तो इतने के ही हैं, मोबाइल फ़ोन 30-40 हज़ार से कम का कोई भी नहीं है। जो अगर किसी ने लिया भी था साल पहले सस्ता, तो अब उसके रेट बढ़ चुके हैं। तो ये वो पैसे हैं 30-40 हज़ार जिसमें मोबाइल तो बंदा रखता ही इतने का, तो आप मोबाइल ना रखें, आप लैपटॉप ख़रीद लें, ठीक है। और इंटरनेट का जो कनेक्शन है, अगर वो तार वाला कनेक्शन है तो उसके 1000-1200-1500 होते हैं मंथली पर मंथ, और अगर आपने 4G रखा हुआ है तो शायद उसके 2500-3000 तक होते हैं पर मंथ, अगर आप प्रॉपर उसको पैकेज करें तो। लेकिन उसका भी एक हल बताता हूँ मैं आपको, आप अपने घर पे ना ये केबल टीवी जो होता है ये हटवा दें, अब उसमें लगा दें वो वाईफाई, क्योंकि केबल टीवी के भी तो पैसे देते हैं ना घर वाले, 500-600 जो भी होता है, कम होते हैं उसके इंटरनेट से लेकिन देते हैं। तो केबल टीवी हटवा दें, घर वालों को लत लगा दें ये इंटरनेट की। अच्छा, क्यों? ये जितने भी सारे ड्रामे अब चलते हैं ना सारे, वो सब यूट्यूब पे आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा सारा, है ना, यूट्यूब के ऊपर सारे ड्रामे आते हैं। तो आप क्या करें, घर वालों के पास जो ये केबल का कनेक्शन लगा हुआ है उनको आप बताएं कि ये केबल का कनेक्शन अब हो गया पुराना, अब आप लगाएं इंटरनेट का कनेक्शन, और उस पे चलता है यूट्यूब पे। फ़ायदा ये है कि जो पुराने, ये अम्मी को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई अम्मी को तो ड्रामे इंपॉर्टेंट होता है सबसे उनके लिए, तो ड्रामे के लिए अम्मी कुछ भी करती हैं, फिर मेरी अम्मी भी ड्रामे देखती है ना, तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उनको अगर आपने ये समझा दिया ना कि जी ये जो इंटरनेट का कनेक्शन है यूट्यूब, इस पे कल वाला ड्रामा जो मिस हो गया था वो भी आप देख सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते उनके लिए कितनी बड़ी बात है। कल का जो ड्रामा मिस हो गया था या जो रात को ड्रामा आता है वो किसी भी टाइम देख सकते हैं, जब सुबह सम टाइम ड्रामे सुबह वगैरह भी आते हैं, कभी कोई प्रोग्राम आते हैं सुबह, तो उस वक्त अम्मी ज़रा बिजी होती हैं किचन में। अब अगर उनको ये पता लग जाए कि यार ये सुबह वाला प्रोग्राम मैं शाम को भी देख सकती हूँ इसको, तो ये उनके लिए इतनी बड़ी बात है आप सोच भी नहीं सकते, तो वो फ़ौरन इस पर शी विल बाय दैट, फ़ौरन उसको बाय करेंगी कि ना मतलब इसको हटाओ ये पुराना है, इस पे तो जब आ रहा है उसी वक्त देखो, यूट्यूब पे तो बाद में भी देख सकते हैं। तो ये आपका इंटरनेट का मसला तो फ्री हो गया, जो 1000-1500 थे ये सारा, ये आपका फ्री हो गया, ठीक है, और बस आपने कंप्यूटर एक लेना है, आपका मसला हल है। अच्छा, तो ये तो जी बात तय हो गई कि कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। एक मोबाइल जो हर किसी के पास होता है उतनी कॉस्ट है इसकी, और उसके अंदर आप इसकी लर्निंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे जो आप आके बैठे हैं, अच्छी बात है कि आप आ गए हैं,
लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं थी इसकी। ये जो आईटी से मुतालिक जितनी भी चीज़ें ना, उसकी ऑनलाइन रिसोर्स कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन उसको ज़रा स्टडी करना मुश्किल होता है, फिर ज़रा ये भी बताने वाला कोई नहीं होता ना कि जी क्या स्टडी करें और क्या नहीं करें, तो ज़रा बंदा फिर गुम हो जाता है कि जी अब मतलब क्या सही है क्या गलत है। इंटरनेट पर तो हर तरह की वो लोग ज़रा व्यूज़ के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी बना के डालते हैं ना, आपको लगता है ये पता नहीं कितने काम की चीज़ है, हालांकि वो टाइम ज़ाया होने के बाद पता लगता है अच्छा जी इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ आखिर, ठीक है। तो यही वजह है कि इस तरह के कोर्सेज भी सैलानी ने तरतीब दिए हैं ख़वातीन के लिए भी और मेल्स के लिए भी, जो आईटी के कोर्सेज हैं। तो इसमें एक्चुअली आपको हेड स्टार्ट दिया जाता है ना, हेड स्टार्ट मतलब ये कि आपको जो बेसिक नॉलेज है कि जी क्या चीज़ पढ़नी है, और वो हाथ से भी आप करके देखते हैं, और अल्टीमेटली एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर आप बना के यहाँ से जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस 6 महीने के कोर्स में आपको हर चीज़ सिखा दी जाएगी। ये 6 महीने का कोर्स जस्ट हेड स्टार्ट है, आपको पता लग जाएगा कि क्या सीखना है, पढ़ाई करनी क्या है और कहाँ से करनी है, और ये पढ़ाई करने के बाद होगा क्या। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब आप घर पे बैठे हुए होते हैं, आप बाहर नहीं निकलते जब, तो आपको पता ही नहीं होता दुनिया में लोग जॉब्स कैसे कर रहे हैं। अब हो सकता है मैंने जो अभी फ्री लांसिंग का जिक्र किया है आप में से कुछ लोगों के लिए वो नई बात है, आपको शायद पहले से ना पता हो, तो ये ज़रा ये भी एक बेनिफिट है कि आप यहाँ पर आते हैं ना, ज़रा आपस में एक दूसरे से नॉलेज शेयर हो जाती है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा हेड स्टार्ट। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये चैट बॉट क्या बला है। अच्छा, वो वर्कशॉप में यहाँ पे बात हुई थी डिटेल में, मैं ज़रा शॉर्ट में करूँगा वही बात यहाँ पे अभी, और जो उसकी रिकॉर्डिंग भी ना अपलोडेड है फेसबुक पे भी, सैलानी का जो पेज है उस पर फेसबुक पे भी अपलोडेड है, और जो आप मेरा नाम लिखेंगे जाके यूट्यूब पे तो मेरा यूट्यूब जो है उस पर भी वो अपलोडेड है, ठीक है। रिकॉर्डिंग उसकी ना दो पार्ट्स में मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की है, तो वो बड़ी तफसीली बात है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे की बात है। अच्छा, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो चैट बॉट एक नए तरह के कंप्यूटर इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं जिनसे आप बोल के बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आपसे अभी मैं आपका इंट्रो भी लूँगा सब लोगों का इंशाल्लाह। आज हम पहली क्लास है, तो आज हम डायरेक्ट कोडिंग शुरू तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ज़रा आज हम ना, क्योंकि देखें क्लास तो जब ही होती है ना जब आप कम्फर्टेबल हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में हम 4 बजे तक का टाइम है हमारे पास, 2 से 4 हमारी टाइमिंग है क्लास की, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की क्लास में हम कोशिश करूँ कि मैं कंफर्टेबल कर दूँ आपको अपने साथ, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर ये देखा जाता है ना, ज़रा टीचर्स थोड़ा मतलब सीन ऐसा रहता है कि टीचर से लोग ना सवाल करने में डरते हैं, ऐसा मैंने तो नोट किया है, और उसका रीज़न ये कहीं ना कहीं कि टीचर से ना अगर कोई ऐसा सवाल कर लेना कोई जिसका उसको जवाब नहीं पता, तो आपकी शक्लें बता रही हैं कि फिर वो क्या करते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, उनको इंसल्ट फील हो जाता है, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो यही वजह है कि फिर वो सामने से स्टूडेंट को कुछ कह देते हैं इस तरह की बात ना, फिर स्टूडेंट बाकी टाइम के लिए फिर मोहतात हो जाता है, फिर वो अगर कोई सवाल करता है ना तो वो बड़ा सोच समझ के करता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है ना एक गैप आ जाता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में ना, तो वो गैप मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है हमें। तो अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अगर मुझसे आप कोई सवाल करेंगे और मुझे उसका जवाब नहीं पता होगा, और होगा ऐसा कि आप बहुत सारे सवाल ऐसे करेंगे जिसका मुझे जवाब नहीं पता होगा, तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा कि मुझे इसका जवाब नहीं पता, बट इंसान है कोई, वो थोड़ी ना कि हर चीज़ की कोई खुदा थोड़ी है कि हर बात पता होगी, वो तो खुदा को पता होती है, अल्लाह ताला को हर बात पता होती है, इंसान को तो नहीं पता होती हर बात। और मैं तो डेली कोई नई चीज़ सीखता हूँ, अभी यहाँ पे मैं आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो आप जो मुझे चीज़ें आती हैं मैं आपको पढ़ा दूँगा, आपको सिखा दूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपसे सीख कर जाऊँगा, है ना। तो जैसे पश्तो ज़ुबान मुझे नहीं आती, वो मैं थोड़ी थोड़ी सीखूँगा आपसे, यहाँ पर सब लोगों को पश्तो आती है ना, अब मैं सीखूँगा थोड़ी थोड़ी पश्तो, मैंने वैसे सीख ली है थोड़ी थोड़ी, मैंने क्या सीख लिया है, मैंने सीख लिया है दलता का मतलब है यहाँ, और राशा का मतलब है आओ, दलता राशा, ये मैंने सीख लिया इधर आओ, और मैंने ये सीख लिया है कि अखपल का मतलब मेरा और पखपल का मतलब तुम्हारा, है ना। और कैसे उसमें BRT में बोलते हैं ना, ये मैं लास्ट आया था ना तो मैं एक वीक पूरा मुझे मिला था, तो मैं पूरा पेशावर घूमता रहा हूँ BRT में बैठ के, वो बोलते हैं अखपल समान हिफाजत पखपल करो, तो ये थोड़ी 2-4 जुमले तो मैं सीख गया हूँ। और
ये कितने रुपए का है ये भी सीख गया हूँ, लेकिन वो वर्ड मेरे जहन से निकल गया क्या था वो, द कसूदे, नहीं मुझे ये नहीं बताया था किसी और, कुछ और बताया था जिससे मैंने पूछा था उसने मुझे कुछ और बताया था, अस्ता सौ रुपए ये बोला था, सौ रुपए द सौ रुपए थे, ये कितने रुपए गए, नहीं ये कैसे बोलेंगे कि ये कितने, जैसे मैंने चाय पी तो कितने पैसे हुए, द पशु दे, अच्छा तो ये पशु मैंने मिस कर दिया था, मुझे लगा सौ, द पशु दे कि कितने पैसे हो गए, देखो कैसे सीखता जा रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा, तो भाई ये थोड़ा थोड़ा जो मुझे आता है मैं वो आपको सिखा दूंगा और थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपसे सीख लूँगा, तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म है वो मोमिन की मीरास है, तो कोई मसला नहीं है, अगर आप, अगर गोरा साहब है उसको कोई अच्छी चीज़ आती है तो आप सीख लो उससे, है ना। इल्म मीरास का मतलब होता है बाप का माल है हमारे, जो यानी वालिद साहब जो माल छोड़ के जाते हैं बच्चों के लिए उसको कहते हैं वो मीरास कहते हैं ना उसको, अच्छी उर्दू के अंदर कह लें आप या अरबी में शायद कहते हैं, बताऊँ तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मोमिन की मीरास है, यानी मोमिन के बाप का माल है, कहीं पे से भी मिले ना तो आप ले लो, आपका ही हो, मना नहीं है लेना, है ना। किसी का रुपया पैसा होता है ना वो तो नहीं ले सकते आप, वो तो उसका है, लेकिन इल्म आपके बाप का माल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे आती हैं मैं आपको सिखा दूँगा और मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख के भी जाऊँगा, ठीक है। तो हाँ मैं ये जिक्र कर रहा था कि अगर कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं आता होगा तो मैं बोल दूंगा यार मुझे नहीं आता, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मुझे आता भी नहीं और मैं सीखूंगा भी नहीं, ये शर्म की बात है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि यार मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये इसका जवाब ना ढूंढ के सर्च करके बता दूँगा, और आपसे भी मैं कहूँगा यार आप भी सर्च करें, हो सकता है आपको जवाब मिल जाए तो आप मुझे बता देना। तो अब इस तरह ना एक प्रोग्रेसिव मैनर में एक प्रोडक्टिव माहौल के अंदर हम यहाँ पर लर्निंग करेंगे ना। अच्छा तो चैट बॉट के बारे में जिक्र हो रहा था कि चैट बॉट क्या चीज़ है, एक ऐसे नए तरह के कंप्यूटर आ चुके हैं जो आपसे बोल के बात करते हैं, ठीक है, मैं उससे बोलता हूँ और वो मुझे जवाब देता है। अच्छा हमारे जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं पहले तो ज़रा लेकिन उनकी बात कर लेना कि वो कैसे मुख्तलिफ हैं इससे। हमारे जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं वो या तो कंप्यूटर पर चलते हैं या तो मोबाइल फ़ोन पर, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं जो हम डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ़ोटोशॉप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पूरा सूट है, वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं जो अभी इस वक्त चल रहे हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए मुझे या तो माउस कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है या तो मुझे टच स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, उसके ज़रिए ही मैं इसको चला सकता हूँ, उसके बगैर मैं इसको नहीं चला सकता, यानी कंप्यूटर इंटरफेस जो है मेरा वो सब माउस कीबोर्ड है या तो टच स्क्रीन है। अच्छा उसके भी बाद अभी एक नया इंटरफेस आ गया है जिसको हम कहते हैं वॉइस इंटरफेस। अच्छा उसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अच्छा आप सब लोगों के पास जो फ़ोन है उसमें आप होम का बटन, अगर एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसमें होम का बटन दबा कर रखेंगे तो नीचे से गूगल असिस्टेंट जाग जाएगा, और अगर आईफोन है तो उसमें भी होम का बटन ही दबाएंगे या पावर, आजकल वाले में पावर का बटन हो गया, तो पावर का बटन मैंने इसको दबाया ऐसे और मैंने कहा कि व्हाट्स द वेदर इन पेशावर राइट नाउ। अच्छा ये साइलेंट पे ना इसलिए उसने जवाब नहीं दिया बोल के। अच्छा इसको वैसे बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं दूर से भी ना, अगर एंड्रॉयड का फ़ोन है उसमें सेटिंग करनी पड़ती है तो हे गूगल सुनता है, वो हे गूगल करके मैं जो भी बात पूछूं सुन लेता है, और अगर आईफोन है तो उसके अंदर सीरी करके हे सीरी व्हाट्स द वेदर राइट नाउ, अंग्रेजी एक कहावत है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में ये मशहूर है कि कंप्यूटर को ना कभी भी ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप जल्दी में हैं वरना कंप्यूटर जो है ना वो स्लो हो जाता है जानबूझ के, ठीक है। तो मेरे मोबाइल को इस वक्त पता लग गया है कि मैं जल्दी में हूँ, दोबारा ट्राई करते हैं, हे सीरी व्हाट्स द वेदर। हाँ हाँ एटीट्यूड भी पूरा है इसका यार, ये शायद ना वाईफाई बहुत स्लो डाउन हुआ है, मैं वाईफाई बंद करता हूँ 4G पे आ जाता हूँ। व्हाट्स द वेदर, इट्स करंटली क्लियर एंड 37 डिग्रीज। वाईफाई जो है ना यहाँ का ज़्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं ना, पीछे भी क्लास हो रही है तो वो एक ही वाईफाई पे सब लोग कनेक्ट हैं, स्लो डाउन हो गया क्योंकि ये इंटरनेट से इसको डेटा को लेकर आ रहा है।
अच्छा अब मैं ऐसे छोटे मोटे अगर मैं काम कर पाऊँ, मिसाल के तौर पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ ना बड़ा एक इशू होता है कि यार रात की नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि यूएसए का क्लाइंट होता है, उसकी सुबह होती है शाम को 7 बजे, हमारे उसके सुबह के 7 बज रहे होते हैं। अच्छा तो 7 बजे अगर वो आ गया, अगर वो मूड में, तो वो कहता है यार आओ मीटिंग करें। अब वो मीटिंग करता है, वो अपने सारे आइडिया डिस्कस करता है कि जी हाँ तो ये भी हम करेंगे तो वो भी करेंगे, वो करते करते रात के 2:30 बजा देता है। सही है, तो फिर क्या होता है कि जी सुबह का उठा हुआ होगा अगर बंदा, तो रात को 2:30 बजे ऐसा हो जाता है ना कि अगर उसने सुबह उठना भी है ना अगले दिन, तो अलार्म अगर लगाया ना उसने उस हालत में, तो वो एएम को करेगा पीएम, और सुबह 7 बजे अलार्म बजने के बजाय अगले दिन शाम को 7 बजे बजेगा। ठीक है, तो मेरे साथ भी ये इशू है। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हे सीरी सेट अलार्म आफ्टर 7 मिनट्स फ्रॉम नाउ। 7 minutes counting down. अच्छा वैसे तो मैं रात को 6 घंटे की नींद लेनी है, मैं कहता हूँ यार आफ्टर 6 आवर्स फ्रॉम नाउ। तो अब देखें फ़ौरन कितनी जल्दी हुई है कि इसको मैंने बोला ना कि 6 आवर वाला भी इसका करके देखते हैं। हे सीरी सेट अलार्म आफ्टर 6 आवर्स फ्रॉम नाउ। 6 hours starting now. 6 आवर का इसने अलार्म लगा दिया। ठीक है, अभी 7 मिनट वाला तो अभी फ़ौरन बच जाएगा थोड़ी देर में। तो अब इससे हुआ क्या, ये क्या बंद हुआ, प्रोजेक्टर बंद हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छा ही हुआ बंद हो गया, आंखों में लग रहा था मेरी। तो अब आप देखें ना, इसने खुद से कैलकुलेट किया है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में, एएम पीएम जो भी था, और 6 आवर गिन के ना खुद ही से 6 आवर के बाद का अलार्म लगा दिया। अच्छा मैं अगर यही काम ऐप खोल के करूँ, जो क्लॉक की ऐप होती है ना अंदर अलार्म लगाने की उसकी, अच्छा तो मुझे शायद 15-20 दफ़ा मुझे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पहले टाइम सेट करूँगा, फिर मैं डेट सेट करूँगा, फिर मैं एम पी एम। अब वो फिर वो ऐप अलग अलग नाम से होती है हर फ़ोन में, अब वो ऐप के अंदर हर ऐप में अलग अलग तरीके का इंटरफेस होता है जिसमें अलार्म सेट करने का ऑप्शन होता है। तो मुझे कम से कम लगते 3-4 मिनट तो लग जाते, अगर डेली भी यूज़ कर रहा हूँ ना तो 3-4 मिनट फिर भी लग जाते हैं। इसमें मुझे कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगे होंगे मुझे। तो ये वॉइस का जो इंटरफेस है ना, ये बड़ा स्मूथ है और बहुत फास्ट है ये। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो है ना, हमारा बोलने और सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब वर्कशॉप में मैंने स्लाइड दिखाई थी, वो आप रिकॉर्डिंग जो है ना उसके अंदर आपको वो स्लाइड दिख जाएगी, तो उसमें मैंने किश टैबलेट दिखाया था। किश टैबलेट क्या है, वो मिट्टी के ना, वो ज़रा पत्थर से है, वो उसके ऊपर ना कुछ वो लिखा हुआ होता है। तो जो अर्लीस्ट राइटिंग हमारे पास दरियाफ्त हुई है ना अर्थ से, जो जो आर्कियोलॉजिस्ट जो खोद के निकालते हैं ना ज़मीन के वो पुरानी बाकियात, तो उसमें जो अर्लीस्ट राइटिंग हमारे पास दरियाफ्त हुई है वो किश टैबलेट्स उसको नाम दिया गया है। उससे पुरानी अभी तक कोई लिखा हुआ नुस्खा उससे पुराना नहीं है। तो वो 5,000 ईयर्स ओल्ड है, उसकी जो कार्बन डेटिंग करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि जी ये 5,000 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा और तो ये हमारा जो लिखने का जो एक्सपीरियंस है ना वो 5,000 ईयर्स का है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स भी लिखते थे, फिर वो लिखते लिखते वो हमें भी उन्होंने सिखा दिया। ऑन अदर एंड जो हमारा बोलने का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है। कैसे, आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे पुराना इंसानी ढांचा मिला है उसको उन्होंने नाम दिया नेंद्रथाल फैमिली करके ना, नेंद्रथाल। वो असल में कुछ चंद खोपड़ियाँ एक ही जगह पे मिली हैं तो उसको वो एक ही फैमिली कंसिडर करते हैं नेंद्रथाल। तो वो मैंने स्लाइड में एक पेंटिंग दिखाई थी, मिस्टर वुड्स की एक पेंटिंग है, तो उन्होंने ना उस नेंद्रथाल की फैमिली को ड्रॉ किया उस पर। वैसे तो देखा नहीं, वो तो खोपड़ियाँ, उसको पता थोड़ी कि शक्ल कैसी थी इनकी, लेकिन वो ज़रा इमेजिनेशन है उनकी। तो उन्होंने दिखाया कि यार वो आग जला के ना एक गार के बाहर वो बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं कुछ आपस में, इस तरह से बैठे हैं जैसे हम संगत करते हैं शाम को चाय पे बैठते हैं, उस तरह से बैठे हैं आग जला कर वो। तो वो उन्होंने अपने कैनवास पे उसको ड्रॉ किया अपने अंदाज से। तो वो जो साइंटिस्ट को वो जो नेंद्रथाल फैमिली की जो खोपड़ियाँ मिली है ना, तो उनके थ्रोट के स्ट्रक्चर को देख के, उनके हलक को, उसकी जो हड्डी है उसको देख कर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये कुछ बोलते थे, कुछ आवाज़ें निकालते थे। और ऑब्वियसली आवाज़ जब ही निकालता है जब बंदा कम्युनिकेट करना होता है बंदा ने, ठीक है, जैसे बिल्ली आवाज़ जब ही निकालती है जब उसको या तो दूसरी बिल्ली से या तो किसी इंसान से कुछ मांगना हो, है ना। बिल्लियों का सही है वैसे, लेकिन बिल्लियों का ये है कि आए दो चार क्यूट हरकतें की और खाना मिल गया और ज़िंदगी उनकी सुकून में। ठीक है, बिल्ली जब इंसान से कम्युनिकेट करती है ना तो अलग, जो म्याओं करती है ना बिल्ली वो सिर्फ इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए करती है, बिल्लियाँ आपस में एक दूसरे को म्याओं नहीं करती। हाँ ये साइंटिफिक फैक्ट है, आपने मैंने भी ये कभी नोट नहीं किया था, लेकिन अगर आप नोट करें तो आपको ये महसूस होगा कि वाकई में वो सिर्फ इंसानों के आगे आगे म्याओं करती है वो।
उसको पता है, उसका फंडा क्लियर है कि मैं इधर मैंने चार क्यूट हरकतें करनी है और मेरे खाने पीने का इंतज़ाम ओके है। लेकिन इंसान को करनी पड़ती है मेहनत। खैर तो ये तो बिल्ली की बात हो गई है। तो क्या बता रहा था मैं, बिल्ली की बात जैसी आई ना तो एकदम मेरे जहन से सारी बातें निकल के बिल्ली याद आ गई मुझे। हाँ मैं ये बता रहा था कि थ्रोट का स्ट्रक्चर देख के ना साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि यार ये कोई आवाज़ निकालते थे, आपस में बात करते होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो वो जो खोपड़ी है उसकी कार्बन डेटिंग है ना वो 100,000 ईयर्स पुरानी है। तो अगर हम हाइपोथेटिकली देखें अगर, तो इंसान ने ना बोलना पहले सीखा है, लिखना बाद में सीखा है। तो बोलने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है इंसान को और लिखने का एक्सपीरियंस कम है। और वैसे भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप अपने आसपास, तो जो लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं वो पहले बोली जाती है, उसके तो लेटर्स वगैरह तो बाद में डेवलप होते हैं और बाद में वो इसको लिखना कैसे है जी वो तो बाद में डिसाइड होता है। ठीक है, आप लोग खुद बहुत सारी ऐसी बोली इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें इस्तेमाल करते होंगे जो आपको नहीं पता होगा कि इसको लिखा कैसे जाएगा। जैसे हम स्कूल के ज़माने में एक फेक ही बोली बोलते थे, पता है आप लोगों को फेक ही बोली क्या होती है? एक दो लोगों को पता है यहाँ पे, तो वो पता नहीं फे हर चीज़ को फे फे करके बोलते हैं। अच्छा मुझे नहीं आती थी लेकिन हमारे स्कूल के वो जो बच्चे थे ना वो आपस में फे की बोलियाँ बात करें, पता नहीं लगता था क्या बोल रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ फे की भी होती है, पता नहीं पे की सारी होती है। हाँ यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं है वो, यहाँ के लोगों को इतना शायद उसका आइडिया नहीं है। हर हर जगह के बच्चों के अपने खेल होते हैं अलग अलग, यहाँ के बच्चों के कोई दूसरे खेल होंगे जो मुझे नहीं पता, वो आप लोग बताएंगे। तो वो बच्चे अपनी एक बोली डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो लिखने का क्या मतलब, उसको पता थोड़ी होता है कि लिखा कैसे जाएगा, वो तो बस बोलते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह एक हमारे दोस्त हैं वो, उनका मुल्तान से ताल्लुक़ है, वो मेवाती बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं मेवाती बोलते हैं सिर्फ, हमें नहीं पता इसको लिखते कैसे, हमने तो अपने अम्मा अब्बा को बोलते हुए सुने हम उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो पश्तो भी, मैं भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पश्तो बोलते तो हैं लेकिन उनको नहीं पता लिखा कैसे जाता है। इंग्लिश उर्दू उनको लिखना आती होगी, पश्तो लिखना नहीं आती होगी, लेकिन सिर्फ बोलना आती है। तो जो भी इंसान जो नई लैंग्वेज सीखता भी है ना एक बच्चा, तो वो भी जो है वो पहले उसको बोलना सीखता है, उसके बाद उसको लिखना पढ़ना सीखता है। और एज अ ह्यूमन बीइंग भी जब हमने लैंग्वेज डेवलप की होगी मोस्ट प्रॉब्ली, तो पहले हमने बोलना सीखा होगा, लिखना बाद में सीखा होगा। ठीक है, और उसी का आप रिजल्ट देखें, क्योंकि हमारा बोलने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप देखें कितनी तेज़ी से मैं चीज़ें बोलता जा रहा हूँ और आप उसको सुनते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। इतनी तेज़ी से मैं लिख तो नहीं सकता ऑब्वियसली, लिखने की तो वो होता ना टाइपिंग की वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जी वो टाइपिंग स्पीड आपकी तेज़ होनी चाहिए, बोलने की स्पीड ऑलरेडी तेज़ है। ये 7 मिनट वाला ही बच गया, इसका मतलब है मुझे बोलते बोलते 7 मिनट हो गए हैं, है ना। 7 मिनट यूँ गुजर जाते हैं बोलने में, पता ही नहीं लगता, इतना मज़ा आता है देखो बातें करने में, कि बातें करने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत है। दिन भर बोलते हैं, पता नहीं कितने हज़ार वर्ड बोल जाते हैं दिन में, हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, लिखने का ऑन अदर एंड इतनी तेज़ी से लिख कोई भी नहीं सकता, और अगर यह किसी को लिखा हुआ दे दिया जाए आपको, तो आप इतनी तेज़ी से उसको पढ़ के समझ भी नहीं सकते जितनी तेज़ी से सुन के आप समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि लिखने और पढ़ने में बाकायदा एक डिफरेंस है एक्सपीरियंस की वजह से। अच्छा, अब हम आ जाए हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स जो हमारे हैं जो माउस से और कीबोर्ड से चलते हैं, हमें तो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना हमारे एंसेस्टर्स ने कभी माउस देखा भी नहीं था हमारे। यानी अगर आप बाप से दादा पे अगर चले जाएँ, अगर मेरे दादा पे अगर आप जाएँ, तो उन्होंने तो माउस देखा भी नहीं होगा कि होता कैसा है, वो तो बना ही उनके वफात पाने के बाद माउस बना है, उनको क्या पता। ये टच स्क्रीन तो 2007 में बनी है, अभी 2007 से पहले तो कोई टच स्क्रीन नहीं होती थी। जो कैपेसिटिव टच जो आज के फ़ोन में जो इस्तेमाल होता है, एक तो वो पन्नी वाला टच होता था वो तो बहुत पहले से, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। एक पन्नी वाला टच होता था, अभी तो इस पे ग्लास होता है ना, डायरेक्ट फ़ोन पे ग्लास होता है, कोई पन्नी नहीं होती। पहले वो एक पन्नी होती थी जो ज़रा स्क्रीन से ऊपर हुई भी होती थी, टच करते थे तो टच होती थी, किसी ने शायद देखा हो वो 2007 से पहले के जो फ़ोन थे उसमें वो पन्नी वाला टच होता था। तो ये इसको कहते हैं कैपेसिटिव टच, ये आपकी बॉडी की ना कैपेसिटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी की, उसको यूज़ करता है, उसको यूज़ करते हुए सेंस करता है कि आप कहाँ टच कर रहे हैं। तो ये टच स्क्रीन तो यार हमारे एंसेस्टर्स ने देखा भी कभी नहीं था, ना माउस देखा था ना कीबोर्ड देखा था, और इसके हैं भी वो ABCD भी इसकी पता नहीं आगे पीछे इन्होंने लिखी है, वो तो अल्लाह का शुक्र है हाथ अब इस पर सेट हो गया तो अब फील नहीं होता, वरना शुरू में तो बड़ा फील होता है जो पहली दफ़ा कीबोर्ड है तो वो ढूंढता ही है बंदा कि यार ए तो चलो सामने नज़र आ रहा है, ये बी किधर है, अब वो बी उन्होंने उस कोने में बनाया है।
तो बड़ा मुश्किल होता है, माउस में निशाना लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है पहले। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब क्या थी, चार कंप्यूटर पड़े हुए थे, और वीक में ना हमारा एक दिन हम लाइन लगा के उस लैब में जाते थे और वो पेंट खोल के कहते थे इस पे यार वो ड्रॉ करो, और वो एक एक बच्चे को 5-5, 10-10 मिनट का स्लॉट मिलता था, वो निशाना लगाने में गुजर जाता था 5-10 मिनट ना। माउस एक नए बंदे के लिए माउस ज़रा यूज़ करना डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, ये हमारी ज़ुबान में तो नहीं बात हो रही, ये तो कोई पता नहीं कौन सी ज़ुबान है। तो ये अब जो नए किस्म के कंप्यूटर आए ना, इसमें ये वाला बैरियर, क्योंकि देखें प्रोसेसर तो हो गया बहुत फास्ट, लेकिन असल जो बैरियर है ना वो हम खुद हैं। हम माउस से क्लिक जितनी देर में करेंगे तो वो देर तो कोई कम नहीं कर सकता, हम जो माउस से क्लिक करने में जो देर लगा रहे होते हैं उसमें तो प्रोसेसर का कोई कसूर नहीं है। अब प्रोसेसर जितने मर्जी फास्ट हो जाए, हम ही जब देर से क्लिक कर रहे हैं माउस में तो वो प्रोसेसर देर से करेगा ही करेगा। तो ये जो नए किस्म के कंप्यूटर है ना, ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें आप कोई भी इससे बात पूछें, मिसाल के तौर पे मैं इससे पूछता हूँ, हे सीरी, इसको मैंने वापस साइलेंट पे किया था, हे सीरी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? आरिफ अलवी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसको अभी पता नहीं लगा है कि आरिफ अलवी साहब हैं अभी प्रेसिडेंट, ख़त्म हो गया आई थिंक वो, तो अभी तो वो अभी हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी पूछते हैं इससे, है ना, खाकान अब्बासी काकड़, नहीं वो तो वजीर आजम बन गया शायद, है ना, इससे वजीर आजम पूछते हैं क्या पता है उसको। हे सीरी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आउट ऑफ इट, असल में ये तो इंटरनेट से डेटा ला के उसको दिखा रहे होते हैं, तो वो इंटरनेट पे जो अभी जाहिर है 1-2 दिन तो बेचारे को हुए हैं अभी बने हुए, तो थोड़े दिनों में ही अपडेट होगा इंटरनेट पे ना। तो आप देखिए ये बोल के होता है, मैं हाथ भी नहीं टच किया, बस दूर से बोल के होता है सब कुछ। अच्छा, अब ये सारी एसी वगैरह भी अब इससे कंट्रोल होने लग गए हैं और पूरी पूरी एप्स भी बनना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये चैट बॉट की फील्ड वो है जो इस वक्त दुनिया में बहुत ही कम लोगों को ये काम आता है। ये तो इन्होंने बना के दे दिया ना एप्पल वालों ने, जो मैंने अभी यूज़ किया है। ऑन द टॉप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आप अपनी एप्स जो डेवलप करेंगे ना इस कोर्स में, हम वो सीखेंगे, ठीक है। एक तो वेबसाइट जो बनती है, वेबसाइट तो अपनी जगह रहेगी, वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह, वेबसाइट तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन वेबसाइट के ऊपर अब हमारे पास क्या होगा, एक छोटा सा बलून आ रहा होगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक ऐसे मैसेज बॉक्स खुल जाएगा, मैं वहाँ पर बात लिखूँगा, सवाल लिखूँगा, मुझे सामने से कंप्यूटर जवाब देगा, उस वेबसाइट के डेटा को देखते हुए मुझे कंप्यूटर जवाब देगा, मुझे उस वेबसाइट में अलग अलग पेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूंगा वहाँ जवाब देगा, या मैं बोलूँगा और मुझे जवाब देगा, ठीक है। तो इसको हम 2-3 इसके मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं, अभी मार्केट में ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि इसको एक्चुअली क्या बोला जाएगा। कुछ लोग इसको कन्वर्जेशनल ऐप्स कह रहे हैं कि जी बात होगी, कन्वर्जेशनल ऐप्स होंगी। अच्छा, कुछ लोग इसको कह रहे हैं वॉइस ऐप्स, कुछ लोग इसको कह रहे हैं चैट बॉट, और कुछ लोग इसको कह रहे हैं VUI, वॉइस यूज़र इंटरफेस। एक तो GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये वॉइस यूज़र इंटरफेस। तो इसके मुख्तलिफ नाम है, अब ये वक्त डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला नाम जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। जैसे जो चैट बॉट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो चैट बॉट है ना वो 2-3 तरह के भी हैं एक्चुअली। एक चैट बॉट वो है जिससे आप लिख के बात करते हैं और वो लिख के जवाब देता है, एक चैट बॉट वो जिससे आप बोल के बात करते हैं और वो बोल के जवाब देता है, ठीक है। एक चैट बॉट ऐसा होता है कि जी आप उससे लिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, जस्ट ऑप्शन आ रहते हैं, आप क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे के इलेक्ट्रिक का जो चैट बॉट है उसमें ये होता है कि वो ना 1, 2, 3 बता रहा होता है कि जी मेन मेन्यू के लिए 1 और इसके लिए डुप्लीकेट बिल के लिए 2, तो आप 2 लिख के एंटर करते हैं जस्ट, ठीक है। तो ये थोड़े इसमें भी डाइवर्सिटी है कि जी अब वो बोलते हैं कि जी जो बोल के जवाब दे रहा है उसको आप वॉइस ऐप्स बोल सकते हैं या VUI बोल सकते हैं, ठीक है। बट जो सिर्फ लिख के बात हो रही है उसमें वॉइस तो है ही नहीं, तो VUI उसको नहीं बोल सकते, तो उसको बोलते हैं कि जी चलें इसको कन्वर्जेशनल ऐप बोल लें आप या चैट बॉट बोल लें आप, सही है। मेरे ख्याल में जो है वो चैट बॉट ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि चैट बॉट जो है वो दोनों केसेस में उसको बोला जा सकता है, अगर आप लिख के बात कर रहे हैं तो भी वो चैट हो रही है, अगर बोल के कर रहे हैं तो भी चैट हो रही है ना, तो ये ज़रा एक दरमियानी वर्ड है, तो इस वजह से यहाँ पे टाइटल में आपको चैट बॉट लिखा हुआ नज़र आया। अच्छा, चैट बॉट ज़रा एक बज़ वर्ड अभी बन गया है, अल्लाह का शुक्र है कि चैट GPT की वजह से ना सब लोगों को पता लग गया है कि एक्चुअली चैट बॉट होता क्या है। चैट GPT से सब लोगों ने बात की है यहाँ पे, गुड, ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। वरना 2016 में जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे मेरे दोस्तों को समझाना पड़ता था कि यार ये चैट बॉट क्या होता है, वो बोलते थे यार ये पता नहीं क्या
उनको लगता था कोई इंटरटेनमेंट की खेल तमाशे की कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो उनको समझाना पड़ता था मुझे, हालांकि वो भी मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं, उनको समझाना पड़ता था, वो मुझसे पूछते थे यार इसमें ये कैसे होगा, इसमें वो कैसे होगा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये बोल के मैं एक्सेल शीट कैसे बनवाऊंगा, जब मैं बोल ही रहा हूँ तो मुझे एक्सेल शीट बनवाने की क्या ज़रूरत है। अब उसकी अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं, अब तो वो बोल के पूरा फोटोशॉप बन गया है ना, जो मिड जर्नी एक है प्लेटफॉर्म अगर किसी ने देखा हो तो उसमें वो पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं सामने से, वो इमेज उसी तरह की बना के दे देते हैं। आपने काम किया है, गुड। तो अभी वो इतना स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा वो अभी आगे पीछे करता है, मतलब डिस्क्रिप्शन को फॉलो तो वो कर लेता है, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी की फोटो मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो अभी नहीं बना रहा है कि उसको फोटोशॉप को रिप्लेस नहीं किया अभी उसने। मैं इधर देख रहा था, आप बात कर रही हैं। अच्छा, आपने मिड जर्नी पे काम किया है। अच्छा, क्या चीज़ हैंडल कर रहे हैं? सॉरी, अच्छा टिकटॉक शॉप की बात कर रही हैं अभी, टिकटॉक शॉप्स जो हैं सर मैं एक टिकटॉक का अकाउंट मैनेज कर रही हूं उनके लिए और एक जो है अमेज़न का। नहीं, एक तो टिकटॉक वो जो वीडियो वाली जो की है, एक टिकटॉक मार्केट भी आ गई है, शॉप्स जो हैं टिकटॉक शॉप्स। अच्छा, वो तो अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई लेकिन सर हुआ। अच्छा जी सर, उन्होंने सर ये है कि से उन्होंने प्रॉपर अपना अकाउंट किया है ना, मतलब उन्होंने जो है सेटअप ओपन किया है, उनके थ्रू वो अपना अकाउंट रन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं उन्होंने। तो सर उन्होंने मुझे एक अकाउंट हैंडल किया था, उसके लिए मैं उस पर काम कर रही हूँ ना। तो फिर ये कि चैट जीपीटी से सारी डेटा कलेक्ट करके उसको जो है एक्सेल शीट के ऊपर जो है उनके लिए पेस्ट करती हूँ, फिर उनका जो टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर प्रोडक्ट को एक्सेस करना, वीडियो पेस्ट करना, उनकी ग्राफिक को हैंडल करना, फिर वो चीज़ें मैं उनके लिए काम करती हूँ। हाँ नहीं सही है, ये तो पूरा स्टोर रन कर रही हैं एक्चुअली, आप स्टोर रन कर रही हैं, नई प्रोडक्ट्स भी उस पर लगा रही हैं आप। जी सर, और उसके बाद सारा क्राइटेरिया उसको फुलफिल करती हूं। सही है, तो गुड यार, वेल डन, क्या बात है, ज़बरदस्त, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए यार। तो देखें यार, करने से होता है, वैसे तो मुश्किल काम है लेकिन यार करने से हो जाता है, क्यों नहीं होगा, इंसान ही कर रहे हैं ना, बाकी भी जो लोग कर रहे हैं वो भी इंसान है। तो पूरा स्टोर रन करना मुश्किल काम है लेकिन कर रही है भाई, बड़ी बात है। तो मैं बात ये कर रहा था कि क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। हाँ, तो चैट बॉट जो है ना वो, अब देखें आप बोल के ये फोटो वोटो भी जनरेट हो रही है, सब हो रहा है, नया है भी, आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये मार्केट डिफाइन हो गई है एक्चुअली, लोगों को पता लग गया है कि चैट बॉट की अब समझाना नहीं पड़ता, अब जस्ट ये समझाना पड़ता है कि अच्छा जी चैट बॉट में क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। एक अगर मिसाल के तौर पर फ़ोन पे भी हो सकता है चैट बॉट, फ़ोन पे भी हो सकता है, कॉल करोगे आप और सामने से एक चैट बॉट होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो आपके सवाल को सुनेगा और आपको जो है ना उन सवालों का जवाब दे रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है चैट बॉट आपका, जो मल्टीपल फॉर्म्स अभी हमारे पास है, फेसबुक के पेज के ऊपर भी हम इस चैट बॉट को कनेक्ट कर सकते हैं कि जी आपके फेसबुक के पेज के ऊपर कोई आपको मैसेज करे और चैट बॉट आपका जवाब दे। पर्सनल प्रोफाइल पर वो अलाउ नहीं करते, पेज पे अलाउ करते हैं क्योंकि बिजनेसेस पेज बनाते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल में ये वो बंदा ही जवाब देगा तो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, स्लैक है, स्काइप है, डिस्कॉर्ड इटसेल्फ, उसके अंदर इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी चैट बॉट को हम लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा यूज़ केस है इसका वो फ़ोन कॉल और वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट तो रियल बिजनेसेस की होती हैं जी, कॉफ़ी शॉप है, वो लोग आते हैं, वो पूछते हैं सवाल, तो उसको जवाब देने के लिए तो बंदा बिठाना पड़ेगा, तो वो चैट बॉट ये सारे मसले हैंडल करता है। कॉल सेंटर्स रिप्लेस होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जी अब जैसे टेलीनॉर का कॉल सेंटर है, उस पर लोग फ़ोन करके क्या पूछते हैं, पैकेजेस पूछते हैं कि जी आप बताएं कि हमें जो है ना 10 GB तक इंटरनेट मिल जाए और इसमें हमें ऑफ नेट मिनट भी मिल जाएँ, तो ऐसा कोई पैकेज बताएं जिसमें सब कवर हो जाए, ठीक है। तो वो चैट बॉट अब जवाब देगा। पहले होता था 200-300 लोग बिठाने पड़ते थे लाइन से, उन सब के लिए AC भी लगाओ, उन सबको कंप्यूटर भी दो आप, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट वगैरह सब कुछ, फिर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी आपको एक बिल्डिंग के अंदर जो होनी चाहिए थी, पानी है और वॉशरूम है और वो सारी, उनको ब्रेक भी चाहिए फिर, ठीक है, फिर उनको बोनस भी देना पड़ता है सैलरी के साथ, ठीक है, फिर उनको छुट्टी भी कभी करनी पड़ती है। अभी मिसाल के तौर पर सम डे ऐसा हुआ कि 4-5 लोग एक साथ छुट्टी कर ली उन्होंने, तो वर्कलोड बढ़ जाता होगा बाकी बचे हुए लोगों पर, ठीक है, फिर हड़तालें होती हैं, किसी दिन वो पहुंच ही नहीं पाए, इतने सारे लोग हैं
अलग अलग जगहों से आते हैं, पहुँच ही नहीं पाए, हड़ताल हो गई, हालात ख़राब हो गए। तो फिर यार बंदा है, बंदे का मूड भी कभी अच्छा होता है कभी नहीं भी होता। 200-400 कॉलें लेगा बंदा, तो 2-4 बंदों को फिर वो शायद सुना भी दे, 2-4 बंदों को वो मतलब 200 लोगों से प्यार से बात की है ना उसने, तो 2-4 लोगों को अगर सुना भी सकता है वो, फिर पता थोड़ी है। वैसे तो रेगुलेशन होती है, कॉल रिकॉर्ड भी होती है, लेकिन अभी रोज़ की डेली बेसिस पे वो 5-5 सौ, 1000-1000 कॉलें आ रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग को कोई सुनेगा थोड़ी बैठ के, पागल थोड़ी है कोई कि पूरा दिन उसको सुनता रहेगा। अनटिल एंड अनलेस के कोई कंप्लेन ना कर दे कि जी आपके बंदे ने हमसे बदतमीजी की, इस तरह की कोई बात ना हो, तो उसको कौन सुनेगा रिकॉर्डिंग को बैठ के। तो वो 200-400 कॉलें में वो 2-4 से बदतमीजी भी करेगा उसका जब दिल करेगा तो, ठीक है। कभी उसको अगर सैलरी वैलरी कम मिली कुछ इस तरह का हुआ तो फिर वो क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी, कॉल सेंटर की तो क्वालिटी बंदे पे डिपेंड करती है पूरी की पूरी, तो वो सारा रिप्लेस होता जा रहा है। और था भी बड़ा बोरिंग काम, कॉल सेंटर बड़ा बोरिंग काम है, मैंने एक ज़माने में किया था 2-3 महीने, तो बड़ा मुश्किल काम है। एम्बुलेंस डिस्पैच करते थे वहाँ पे, हालांकि एम्बुलेंस डिस्पैच में वो वाला तो नहीं है टेलीनॉर वाला कि पैकेजेस बताओ, वो तो बहुत ही बोरिंग है। इसमें तो ये होता था कि जी फ़ौरन अभी करना है, तो वो जो एक हंगामी सूरत हाल होती थी अंदर कि जी वो फला जगह है, उसको फ़ौरन आइडेंटिफाई करना कि जी ये मैप में किस जगह पर है ये जगह, और कहाँ पे जो हमारी गाड़ी खड़ी है उसको कहाँ से किधर भिजवाएंगे। तो बड़ा वो एक फैसिनेटिंग था, लेकिन था बड़ा बोरिंग, क्योंकि यार वो हर एक फ़ोन रखो दूसरा दोबारा बजता है, एक फ़ोन रखो दूसरा दोबारा बजता है, तो फ़ोन उठा उठा के ना और बातें कर करके और समझा समझा के दिमाग की दही हो जाती है, और एक ही बात हर बंदा पूछता है, एक ही बात वो पूछता है कि जी वो हमारे हम हॉस्पिटल लेके जाना है अम्मी को, तो अब वो एम्बुलेंस कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, अब उसको बताओ जी कि करीबी सेंटर आपको होगा, उसका फ़ोन नंबर उसको दो, वो याद किया हुआ होता था हमने, तो वो उसको उस पर फ़ोन करें, वहाँ से आपको भिजवाएंगे, और इस तरह तो हर बंदा एक ही बात पूछे, एक ही बात बता बता के ना दिमाग की दही। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि अब ये काम सारा AI करेगा, बंदा कुछ क्रिएटिव काम करेगा ना यार, कोई ढंग का काम करेगा, ये सारा काम कॉल सेंटर वाला सारा बोरिंग काम जितने भी थे ना, ईमेल भेजना और ये सब करना, ये सब अब चैटबॉट करता है। तो जी हमने ये बात डिस्कस कर ली कि चैटबॉट होता क्या है और इसकी जो वैल्यू है मार्केट में इस वक्त, आपको पता है जो भी चीज़ एक सेठ आदमी के पैसे बचा रही है ना वो चीज़ वैल्यूएबल है। तो अगर एक कॉल सेंटर में 200 लोगों की जगह एक सॉफ्टवेयर लग रहा है ना, तो 200 लोगों की सैलरी अगर 30-30 हज़ार भी होगी, वैसे तो इतनी कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है, 50,000 तक अगर होगी अगर, और 200 लोगों की सैलरी, तो आप लगाएं लाखों में बनेंगे ये हर महीने जो जा रहे हैं उसकी जेब से। अब वो हटा के अगर 8-10 लाख रुपए का एक सॉफ्टवेयर उसको मिल जाए जो वो 200 बंदों का काम करे, तो क्या वो मना करेगा? नहीं करेगा, बोलेगा ले आओ, ठीक है। फिर अभी ये मार्केट बिल्कुल खाली है, अभी चैटबॉट्स तो आपने भी एक ChatGPT का ही नाम सुना है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपने नहीं सुना उनका नाम, तो मार्केट बिल्कुल खाली है। आप नई प्रोडक्ट्स भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की नौकरी करें, क्योंकि इतनी नई फील्ड है, आप कुछ भी बनाएंगे तो वो चलेगा। जैसे जब शुरू मोबाइल फ़ोन आए थे, तो उसमें मोबाइल ऐप में ना अलग अलग तरह की होती थी, एक मोबाइल ऐप आती उसमें एक बटन होता था, दबाओ ना तो लाइट जल जाती थी पीछे, टॉर्च ऐप है ना। अब तो वो टॉर्च वो फ़ोन में अपना ही उन्होंने वो बटन बनाया हुआ है, जैसे अभी इसमें जो है ना इसी में बटन ऐसे दबाओ तो जल जाता है, शुरू में नहीं होता था ये, शुरू में इसकी ऐप अलग प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती थी, तो वो चलती थी, वो कुछ भी बनाते तो लोग चलती थी। तो अभी इस वक्त चैटबॉट में वो वाली सूरत हाल है कि आप कुछ भी बनाएंगे ना आप चलेगी, एक चैटबॉट आपने बना दी जो आप पूछें उसको हर दफ़ा एक नया लतीफ़ा सुनाया आपको, आपने 200-400 हज़ार लतीफ़े कहीं से ढूंढ ढांड के उसमें एक दफ़ा फीड कर दिए, अब जो भी उससे बात करेगा उसको हर दफ़ा एक नया लतीफ़ा सुनाया, वो चलेगा, वो लोगों ने बना के रखे हैं उस तरह की चैटबॉट। तो ये बिल्कुल नई फील्ड है, इस फील्ड में आप इस वक्त अगर आएंगे ना तो आपको जो अर्ली बर्ड एडवांटेज है ना वो मिलेगा। अच्छा, फिर अब जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो वो आपको तो आता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आती जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑन अदर एंड आज से 5 साल बाद अगर कोई आएगा तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी होगी, उस वक्त ज़रा इन होना ज़रा शायद बहुत ही मुश्किल रहे, बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई, अब ज़रा ना ये मैंने आपको समझा दिया कि ये कोर्स है क्या, चैटबॉट का कोर्स है, वेबसाइट बनाना भी इसमें इंक्लूडेड है, शुरू में तो हम वेबसाइट बनाएंगे उसके ऊपर फिर चैटबॉट लगाना सीखेंगे, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसके लिए मैं ज़रा एक 2 जुमले में सेलेबस भी बता दूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। हम इसको शुरू करेंगे ECMAScript 6 से, ठीक है, ES6 यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है, एक ही चीज़ के 2-3 नाम है, तो ES6 हम पहले पढ़ेंगे इस कोर्स में, जिससे ये कोर्स का आगाज़ होगा। उसके बाद हम एक सर्वर बनाना सीखेंगे,
एक्सप्रेस का हम सर्वर बनाएंगे इसके अंदर, जाहिर है वो क्योंकि क्लाउड पे कहीं ना कहीं चलेगा ना, मतलब जैसे मैं अभी इसको सीरी से मैंने बात की तो ये कहीं ना कहीं क्लाउड पे पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सर्वर पे ही चल रहा है, तो ये सर्वर भी हम बनाना सीखेंगे। साथ में डेटाबेस हम एक सीखेंगे मोंगो डीबी, इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, मोंगो डीबी डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस इसलिए हमें चाहिए कि अभी तो चलो मैंने इससे वेदर पूछ लिया, अगर कोई पिज़्ज़ा की ऐप है, क्योंकि जितने काम मोबाइल ऐप से हो सकते हैं ना वो सारे चैटबॉट में होंगे, तो अब पिज़्ज़ा हट की ऐप है या फूड पांडा की ऐप है, उससे मैं फूड ऑर्डर करता हूँ, तो वही काम मैं चैटबॉट से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तक आया नहीं ऐसा कोई चैटबॉट, लेकिन कर सकता हूँ, तो आप ये बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पिज़्ज़ा ऑर्डर ही चैटबॉट, सबसे पहला हम पिज़्ज़ा ऑर्डर चैटबॉट ही बनाएंगे यहाँ, क्योंकि पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए ना वो ऑटोमेशन हो जाए, बंदा बोले कि भाई गिव मी पिज़्ज़ा, वो पूछे हाँ भाई वो कौन सा लार्ज चाहिए मीडियम, फिर वो फ्लेवर बताया कि यार हमारे पास ये तीन फ्लेवर होते हैं आपको कौन सा चाहिए, फिर वो पूछे कि अच्छा कितना दे दूँ मैं आपको, तीन चार, कोई ड्रिंक्स वगैरह भी आपको चाहिए, इस तरह वो पूरी बात पूछ के ना पूरा ऑर्डर मुझसे ले लो, और वो उस ऑर्डर को सेव भी कर ले, अगली दफ़ा मैं उसको इतनी लंबी बात ना बताऊँ, अगली दफ़ा मैं बोलूँ कि यार वही वाला, तो वही वाला वो समझ जाएगी हाँ पिछले वाला जो पिछली दफ़ा किया हुआ ऑर्डर, ठीक है। रिपीट ऑर्डर का होता है ऑप्शन, फूड पांडा के अंदर भी होता है ना, रिपीट ऑर्डर का एक बटन आ रहा होता है, क्योंकि आपने जो पहले ऑर्डर किया आप जस्ट वो बटन दबा दें, ठीक है। तो फूड पांडा बहुत जल्दी, आपको मैं ये बात बता रहा हूँ, फूड पांडा में बहुत जल्दी एक वॉइस असिस्टेंट आ जाएगा, आप फूड पांडा की ऐप खोलेंगे, आप बगैर कोई बटन दबाए, या मे बी आप एक बटन दबा के आप बोलेंगे कि यार रिपीट माई लास्ट ऑर्डर, और आपका ऑर्डर हो गया, आप फ़ोन वापस ऊपर टेबल के ऊपर, इस तरह का फीचर ना बहुत जल्दी ये सारी ऐप्स में आपको दिखेगा जी। हाँ, कोर्स आउटलाइन में हम जावास्क्रिप्ट से शुरू करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट का सबसे नया वाला वर्जन है ES6 कहते हैं उसको, उससे हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर, अच्छा जावास्क्रिप्ट जब हम सीख रहे होंगे तो उस वक्त हम इस पे वेबसाइट भी थोड़ी छोटी छोटी बनाते रहेंगे साथ साथ, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम सीख रहे हैं और कुछ बना नहीं रहे, हम हर क्लास के आखिर में कुछ ना कुछ यहाँ से बना के उठेंगे, और फिर आपको हर एक दो क्लास के बाद टास्क भी मिलेगा घर से कुछ, कि जी आपने जब वापस आना है अगली क्लास में तो ये टास्क, इवन आज भी मैं आपको एक टास्क दे के भेजूँगा अगर यहाँ से पढ़ाई तो नहीं हुई आज, लेकिन टास्क आज भी दूंगा मैं। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट सीखते सीखते छोटी छोटी वेबसाइट बनाने हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे सर्वर, सर्वर सीखेंगे और उसको क्लाउड पे कैसे होस्ट करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने इसीलिए जिक्र किया था कि अगर कोई टेक्निकल है तो उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो जी, एक्सप्रेस के ज़रिए हम ये सर्वर बनाएंगे और उसको गूगल क्लाउड पे हम होस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम डेटाबेस सीखेंगे, डेटाबेस हमारा MongoDB सीख रहे होंगे हम इसके अंदर। अच्छा, जब हम डेटाबेस तक पहुंच जाएंगे तो हमारी बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पर ना। उसके बाद हमारे पास दो फ्रेमवर्क्स हैं, दोनों को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। नंबर एक है हमारे पास डायलॉग फ्लो, जो गूगल की प्रोडक्ट है एक्चुअली, डायलॉग फ्लो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी है ओपन ए आई, वो चैट GPT वाला जो है ना वो, तो चैट GPT की प्रोग्रामिंग एक्चुअली हम सीख रहे होंगे इस कोर्स में ना, जब हम लास्ट फेज में पहुंचेंगे तो हम चैट GPT की प्रोग्रामिंग सीखेंगे इस कोर्स में। चैट GPT की प्रोग्रामिंग क्या होगी जी, कि मैं चैट GPT को इस तरह से ट्रेन कर दूं, इस तरह से उसकी मैं प्रोग्रामिंग कर दूं, इस तरह से मैं उसकी ट्यूनिंग कर दूं कि वो मेरी मर्ज़ी के सवालों का जवाब दे, जो मैं उससे सवाल पूछूं मेरी मर्ज़ी का जवाब दे वो। मिसाल के तौर पर अगर मैं उसी चैट GPT को एक कॉफ़ी शॉप की वेबसाइट पर लगाऊँ तो वो सिर्फ उस कॉफ़ी शॉप के बारे में बात करे, उससे कोई इधर उधर की मैं बात करूं तो वो मना कर दे, बोले भाई मैं तो कॉफ़ी शॉप वाला हूं, मुझे तो नहीं पता कि फ़ोटो स्टेट की दुकान कहाँ है, या मुझे तो नहीं, अगर जैसे कोई पूछ रहा है ना कि यार ये मैथ बच्चे आजकल होमवर्क भी कर रहे हैं ना चैट GPT से, उसको देते हैं बोलते हैं ये सॉल्व करिए, तो अगर उसको कोई मैथ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दे तो वो उसको मना कर दे, बोले कि यार मैं तो ये कॉफ़ी शॉप वाला हूं, मुझे ये मैथ वैथ थोड़ी आती है। तो इस तरह से मैं उसको प्रोग्रामिंग कर दूं उसकी, कि जी जो मैं बोलूं ना वही जवाब दे और कोई दूसरी बात वो ना करे, चैट GPT तो हर बात कर रहा है वो ना करे, और उसके अंदर फिर वो डेटा सारा मैं फीड कर दूँ कि अच्छा जी अगर कोई टाइमिंग पूछे दुकान की तो ये बतानी है आपने, अगर कोई ये पूछे कि दुकान का एड्रेस क्या है तो ये बताना है आपने, फ़ोन नंबर कोई पूछे तो ये हमारा ऑफिस का फ़ोन नंबर है, ये हेड ऑफिस का फ़ोन नंबर है, तो वो सारे अलग अलग, ठीक है। फिर वो टाइमिंग वगैरह शॉप की और XYZ जो भी एक वेबसाइट पर जो डिटेल्स होती हैं वो सारी हम उस चैटबॉट में फीड कर देंगे, तो अब वो वेबसाइट पर बंदा विजिट करके डिफरेंट पेजेस को स्टडी करने के बजाय उससे बात पूछ रहा होगा, जो भी उसको चीज़ चाहिए होगी वो उससे पूछ रहा होगा, उसको वो जवाब दे रहा होगा। तो इस पॉइंट में मैंने आपको ये समझा दिया कि ये चैटबॉट होता क्या है और इसका जो काइंड ऑफ एक मार्केट वैल्यू बता दी, थोड़ा सा स्कोप इसका डिस्कस हो गया, ठीक है। फ्रीलांसिंग में इसके इसमें बहुत काम है इस वक्त, पाकिस्तान में जो लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेज खुले हुए हैं, जो मुकामी कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में,
पेशावर में भी होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि पेशावर में मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं या नहीं है, किस जगह पर हैं, लेकिन होंगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा नहीं है, सही नहीं वो तो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ से पढ़ाई करके जब निकलेंगे तो आप लोग अपनी कंपनी खोलेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, अगर सॉफ्टवेयर की कंपनी नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके लिए मैदान खाली है, तो इंशाल्लाह आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं आप सब लोग अपने घर से काम शुरू करेंगे और अल्टीमेटली आप सब लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेज खोलना है। आप इमेजिन करें ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस हो जो एक एक खातून उसको ओन करती हूँ और वो तमाम दूसरी खवातीन को वो उसमें मुलाजमत दें, तो ये कितना अच्छा रहेगा कि जी वो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जी खवातीन के लिए ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है ना, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं, बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो ज़रा हार्ड वर्किंग होती है या फील्ड की जॉब होती है, तो वो समटाइम वो नहीं रखते खवातीन को कि जी अच्छा जी ये तो धूप में घूमना है आप कैसे घूमेंगी, है ना, तो इस तरह की, तो इंडोर जॉब्स में ज़रा अपॉर्चुनिटी फिर वो ऑटोमेटिकली नैरो डाउन हो जाती है। तो आप सोचें ना ख़वातीन के लिए मुलाजमत के कितने मौके पैदा होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनको ज़रूरत होती है कि वो कुछ ना कुछ अर्न करें। ठीक है, हर खातून के पास ऐसा नहीं होता कि कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला अवेलेबल है। ठीक है, मोस्टली बहुत सारी जगहों पर जो है ना ख़वातीन को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो अर्न करें, और फिर मजबूरन उनको ऐसी मुलाजमतों पे जाना पड़ता है जो इंटेलेक्चुअल नहीं होती। ठीक है, कोई जो मजदूरी वाली चीज़ें होती हैं, हालांकि वो पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन स्टिल उनको जो है ना उस जगहों पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती डिफरेंट वजूहात की वजह से, जो सोशल हमारे सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ हैं, जो भी आपके जो कास्ट सिस्टम कह लो आप उसको या रिलीजियस सिस्टम्स हैं, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से ना जो कहीं ना कहीं मामला ज़रा इधर उधर हो जाते हैं। तो होपफुली जब एक खातून एक सॉफ्टवेयर हाउस को ऑन करेंगी ना, तो वो खवातीन के मसले को ज़रा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करेंगी मे बी, और उसके बेहतर सॉल्यूशन शायद निकल कर सामने आए, आई होप। हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने नहीं करवाया ना। अच्छा, मेरा नाम इंजमाम मलिक है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाई प्रोफेशन। ठीक है, थोड़ी बहुत टीचिंग भी कर लेता हूँ, जैसे आज आप यहाँ पर आ गए होंगे। मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था 2012-13 में किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही। अच्छा, ये वेबसाइट बनाने का ही काम शुरू किया था सबसे पहले, उस वक्त उस ज़माने में एंगुलर के नाम से एक फ्रेमवर्क होता था, उस पर काम करते थे। आयोनिक के नाम से एक फ्रेमवर्क था जिस पर मोबाइल ऐप बनती थी, तो वेबसाइट और मोबाइल ऐप का काम शुरू किया था। तो उसके बाद 2016 में जाके, अच्छा शुरू से फ्रीलांसिंग ही की है मैंने, कभी जॉब नहीं की है। जो मैंने फ्रीलांसिंग आते ही जिक्र किया था तो मैं वही करता हूँ शुरू से। ठीक है, तो जो यानी मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो फ्रीलांसिंग है। मैंने इवन सॉफ्टवेयर, वैसे तो मैंने जॉब्स की हैं ज़िंदगी में बहुत सारी दूसरी, लेकिन सॉफ्टवेयर की कंपनी में मैंने कभी कोई जॉब नहीं की, क्योंकि सॉफ्टवेयर में यार फ्रीलांसिंग में ज़्यादा स्कोप है भाई, डॉलर में पैसे आते हैं, यहाँ वाले पे करो तो यहाँ वाले अगर सैलरी अच्छी लगा भी देते हैं तो थोड़े दिन में क्या होता है कि डॉलर जो है वो डबल हो जाता है और आपकी सैलरी फिर कम हो जाती है ना। अभी देखें, जो लोग बेचारे लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे या इवन दो दो तीन तीन लाख रुपए भी ले रहे थे, तो डॉलर था आपका 280 का एक हफ्ते पहले तक, दो हफ्ते पहले तक, अभी वो 320 330 पे कहानी पहुंची हुई है ओपन मार्केट की, तो एकदम 60 रुपए ऊपर चला गया। तो अब ये तो बड़ा मसला है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो इस वजह से ये तो खैर अभी मसला हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी यार बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं, जो ऑन साइड जॉब जो है ना मुझे सूटेबल नहीं लगी कभी भी। फिर एक सेठ, हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट जो है वो, तो मैंने जितनी भी ज़िंदगी में जॉब की है तो मैं सेठ का जो एक माइंडसेट है ना उससे मैं थोड़ा सा भागता हूँ दूर ना, क्योंकि वो सेठ आता है खुद 12 बजे और वो फिर रात को 12 बजे तक बैठता है, चाहता है कि यार मुलाजिम भी मेरे रात 12 बजे तक मेरे साथ बैठा रहे। ये होता है ना, अगर किसी ने यहाँ पे कोई छोटी मोटी जॉब कभी की होगी तो उसको पता होगा कि यार ये होता है। तो मैंने कहा यार मैं किसी सेठ के अंडर में क्यों काम करूँ। काम तो मैंने वैसे बहुत सारे किए हैं, जब मैं स्कूल के ज़माने में था उस वक्त भी मैंने छोटी मोटी सारी जॉब्स करके ट्राई की हैं, और ये सारी, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं रेहान अल्लाह वाला, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यार आपको ना अल्लाह ताला ने एक कोई स्किल या कोई हुनर सिखा के भेजा होता है, आप अगर वो हुनर आपने पता लगा लिया ना कि वो कौन सा है, तो आप जस्ट उसको पॉलिश करेंगे ना उस हुनर को, तो एकदम चमक जाएंगे आप। तो मुझे शायद लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर के लिए बनाया था अल्लाह ताला ने, तो मैंने जितने भी सारे
काम किए हैं, वो सारे काम करने के बाद जब मैंने सॉफ्टवेयर पहली बार देखा ना, हेलो वर्ल्ड, हमारे एक टीचर थे कॉलेज में, उन्होंने वो हेलो वर्ल्ड लिखा, तो मैंने कहा यार यही तो था जो मैं ढूंढ रहा था। तो उसके बाद फिर स्कूल में हालांकि बड़ा नालायक स्टूडेंट हुआ करता था मैं, कभी स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया मैंने, तो ना ही कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया। तो लेकिन जब वंस आपको पता लग जाता है ना कि जी अच्छा जी ये मैंने करना है, और वंस आपको वो चीज़ पता लग जाए ना, अल्लाह ताला ने जो आपको सिखा के भेजी है, वो कैसे पता लगेगी? वो ऐसे पता लगेगी कि कोई काम ऐसा है जो आप करते हैं अगर, तो वो काम करते करते आप खाना पीना भूल जाते हैं, और आप 6-8 घंटे 10 घंटे लगातार आप वो काम कर रहे हैं, और कोई बहाना बनाए बगैर आप खुद ही कर रहे हैं, किसी से आप ये नहीं कह रहे कि यार मैं तो थक गया थोड़ी आराम, तो बगैर कोई बहाना बनाए, बगैर कोई नखरे किए और खाना पीना भूल के आप वो काम अगर कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि वो काम के लिए आपको बनाया गया है। ठीक है, आपको वो काम करना चाहिए, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, उस काम के अंदर आपको अपना करियर तलाश करना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट काम सारे करके ट्राई करें, आपको भी होपफुली अच्छा। सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि जी आप एक प्रोग्रामिंग करते हैं, और वो यानी मुझे तो कुन फायकुन वाली फीलिंग आती है ना, कि जैसे आपने जो चाहा वो हो गया, जो आपने कोड किया आपके हाथ में, आपने जो लिखा वो हो गया, तो ज़रा वो कुन फायकुन वाली भी एक फीलिंग मुझे तो फील होती है। अल्लाह ताला की सिफत है ना कि अल्लाह ताला जो इरादा करते हैं वो हो जाता है, कुन फायकुन, अल्लाह ताला ने इरादा किया और वो हो गया, तो ज़रा इसमें कहीं ना कहीं वो वाला एक है कि जी आप एक, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का वो तो पत्थर होता है ना, वो तो सिलिकॉन से बना होता है, उसको तोड़ें तो पत्थर होता है अंदर, कुछ भी नहीं होता। वो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो असल में तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, वो पत्थर होता है, जो बजरी होती है उसके अंदर वो जो गोल गोल सा वो सलीका सैंड उसको कहते हैं, आप लिखेंगे ना गूगल पे सलीका सैंड, उससे बनता है ये सारा, तो प्रोसेसर चिप्स वगैरह। अब वो पत्थर आपके इशारों पे अगर नाचे तो इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात और क्या हो सकती है। तो मुझे तो ये वाली फैसिनेशन भी इसमें आती है। वेल, तो हमारे पास जो है ना क्या जिक्र कर रहा था मैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा था, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। 2016 में मुझे ये AI का ज़रा पता लगा कि जी अच्छा जी लोग तो AI की तरफ बड़ा रागिब हो रहे हैं, और AI की ज़रा मार्केट में अब एक डिमांड क्रिएट होने वाली है अगले कुछ सालों में। तो मैंने 2016 में इसको एक्सप्लोर किया, मुझे चैटबॉट नज़र आया, तो उस वक्त जब मैंने चैटबॉट पर काम करना शुरू किया ना, तो मेरे अपने दोस्तों को भी मुझे समझाना पड़ता था कि यार ये है क्या। वो मुझे अच्छे सेंस में, अच्छी नीयत से मुझे वो समझाते थे कि यार ये किन कामों में पड़ गया है तू, कोई करने वाले काम कर। तो वो सारे फ्रीलांसिंग करते थे मेरे साथ ही थे, तो वो सारा काम छोड़ छाड़ के ना मैं थोड़ा अरसा मैंने इसको डेडिकेट किया था उसकी लर्निंग के लिए। वो कहते थे यार ये तो किस काम में लग गया है, कोई करने वाला काम कर, को पैसे वैसे कमा, हम सारे काम कर रहे हैं और ये तो खेल रहा है इधर बैठ के। तो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, अच्छी नीयत से वो कर रहे हैं, मना कर रहे थे। लेकिन मुझे उस वक्त चैटबॉट में क्या नज़र आया, जो मैंने उसको फॉलो किया उस वक्त और आज तक उसको फॉलो कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जूती का तस्मा आपसे बात करेगा। तीन चीज़ों का जिक्र है उसमें, एक प्रेडेटर्स का जिक्र है कि प्रेडेटर्स आपसे बात करेंगे, और एक जूती के तस्मे का जिक्र है कि वो आपसे बात करेगा, और एक आपकी थाई का जिक्र है कि इंसान की थाई भी उससे बात करेगी। ये आप देखिएगा, वो हदीस आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने उससे ये मतलब अखज़ किया कि वो जूती के तस्मा बात करेगा, इसका मतलब है कि हर चीज़ बात करेगी, AC भी बात करेगा, दरवाज़ा खिड़की ये सारी चीज़ें, मोबाइल अभी देखें आप बात कर रहे हैं मोबाइल अब। तो ये मैंने उस वक्त जब ये हदीस पढ़ी ना, तो मुझे समझ आ गया कि यार ये वॉइस कंप्यूटिंग जो है ना, ये कहीं ना कहीं आगे जाएगी। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे वो सारी बातें पता लग गई कि अच्छा जी तो बोलने का तो एक्सपीरियंस भी बढ़ा है, और ये तो बेस्ट इंटरफेस है, अगर कंप्यूटर से बोल के बात हो तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों का लुभे लबाव ये हुआ कि मैंने कहा यार ये अभी तो लोगों को नहीं पता नाम, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है ना बहुत पावरफुल चीज़ है। तो मुझे उसकी पावर समझ आ गई, तो मैंने उसको जो है ना प्रॉपर उस वक्त से फॉलो किया। अच्छा, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब ज़रा यार हम बात कर लेते हैं कि ना एक दो छोटी छोटी बातें, लेकिन ज़रा उससे पहले ना एक दो लोगों का इंट्रोडक्शन और कर, सबका तो ज़ाहिर है मैं नहीं ले पाऊँगा इंट्रोडक्शन, लेकिन ज़रा एक दो लोगों का इंट्रो करते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी सी बात आखिरी करके हम आज की क्लास को माइंड अप करते हैं, टास्क देते हैं आपको एक आज की क्लास का असाइनमेंट। तो इधर से शुरू करते हैं जी, खड़े होके मुझे तो सबको बताना है, क्योंकि ये सब लोग भी तो आपको जानते तो नहीं है ना। हाँ, तो इन सबको भी पता लगना चाहिए आप कौन है, आप क्या करती हैं, आपका नाम क्या है। My name is Mahnoor, I'm from Dar Adam Khel, and currently I'm doing my computer science, BS computer science from Agriculture University, Peshawar।
अच्छा कंप्यूटर साइंस के कौन सा सेमेस्टर हो गया? सेकंड हो गया, ये थर्ड स्टार्ट। अच्छा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ लिया आपने। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पढ़ा रहे हैं? C++। गुड। मैंने भी जो पहली लैंग्वेज सीखी है ना ज़िंदगी में वो सी लैंग्वेज सीखी थी। उस पर काम नहीं करते अब, कोई काम नहीं होता उस पर इतना ज़्यादा, लेकिन फंडामेंटल सीखने के लिए अच्छी लैंग्वेज है। बेटा जी जोर से बोलना पड़ेगा आपको, पीछे तक आवाज़ जानी चाहिए। और कंप्यूटर का कोई बैकग्राउंड तो नहीं है आपका? अच्छा होना ज़रूरी भी नहीं है इस कोर्स को पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो आप आए हैं यहाँ पे आपका कंप्यूटर का कोई बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको तमाम चीज़ें बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा। अच्छा और ये इंट्रो लेने का मकसद भी यही है कि मुझे पता लग जाए कि किस कैलिबर के लोग बैठे हैं, ताकि मैं उसी लेवल पे आके आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बैठ जाए जी आप पीछे, ज़ोर से बोल रहे हैं आपने ताकि पीछे तक आवाज़ जाए। अच्छा ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ा रहे हैं आपको? अच्छा CCNA का ये नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा तो माशाल्लाह आपका तो बड़ा अच्छा कंप्यूटर साइंस का तो बैकग्राउंड आपका है, मतलब सेवन सेमेस्टर है आपका। गुड। अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी पढ़ ली आपने? जावा या जावा स्क्रिप्ट? जावा। हाँ वेब प्रोग्रामिंग भी होता है ना सब्जेक्ट तो। सही। गुड यार सेवन सेमेस्टर जबरदस्त। अच्छा प्रोजेक्ट के लिए आपने यहाँ एडमिशन लिया है, इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगा मैं, ये आपने खुद बनाना है। सर मैं खुद करना चाहता हूँ। तो आपने 6 महीने का कोर्स यहाँ से करके ना खुद करना है। अच्छा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि सर वो तो हमने ना FYP बनाना है तो आप बताएं आइडिया क्या होगा, तो मैं नहीं बताता। वो मैं इसलिए नहीं बताता कि जी जब तक आप खुद से सोचेंगे नहीं ना तो आपको पता नहीं लगेगा, तो खुद से आपने सोचना है। अच्छा और बनाना भी खुद से। सर इसमें पाइथन नहीं पढ़ेंगे? इस कोर्स में हम पाइथन नहीं पढ़ेंगे। जो जो मुझे पता था कि ये सवाल ज़रूर आएगा, क्योंकि जब सेवन सेमेस्टर है ना और AI का नाम तो कहीं ना कहीं पहले सुना होगा, तो जहाँ पे AI का नाम आता है वहाँ पे पाइथन का नाम आता है। लेकिन अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो पाइथन वाली AI है ना वो हो गई है पुरानी। सही है। जो जिसको हम कहते थे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ द थिंग ऑफ पास्ट, अब नहीं करते मशीन लर्निंग हम। मास्टर्स की बात कर रही हैं यार, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। सर डेटा साइंस बेस्ट है यार असल में। वो बात तो ये ना, नाम तो उन्होंने कुछ भी रखे होते हैं, वो तो सिलेबस देख के पता लगेगा कि पढ़ा क्या रहे हैं, और फिर पढ़ाने वाला बाकी उसको वो चीज़ें आती भी हैं कि नहीं आती। मतलब हो सकता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ा के वो ख़त्म कर दें, मे बी, अब मुझे नहीं पता ना। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कोई गाइड नहीं कर सकता कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये मुझे पता ही नहीं है। देखिए डेटा साइंस तो वैसे तो है बहुत अच्छा आइटम डेटा साइंस में, लेकिन आप क्या करवाते हैं ये भी तो मसला है ना। डेटा साइंस तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अगर आप सिर्फ डेटा साइंस पढ़ना शुरू करें तो 4 साल उसके लिए कम है, ये बात है। तो वो आप सिलेबस देखें और उसको आप मशवरा करें, जो आपके सीनियर टीचर्स होंगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर उनसे आप मशवरा करें, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं उनसे मशवरा करें। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बारे में ना मुझे इतना आइडिया नहीं है। हाँ मेरी फील्ड के बारे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में मुझसे पूछा है, डेटा साइंस होती क्या है, डेटा साइंस आपने पढ़नी है तो अच्छी रिसोर्स ऑनलाइन है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी पढ़ा रही है। मसला असल में ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ना पढ़ा नहीं रही है, यही तो मसला है। मेन मसला ये हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा सही नहीं रही, और हमारे यहाँ नहीं पूरे दुनिया के अंदर ये मसला है। इवन लंदन में जो यूनिवर्सिटी भी है ना, जो लंदन की यूनिवर्सिटी, वो भी पढ़ा थोड़ी रही है वो। अब तो उन्होंने बल्कि ये हद कर दी है कि मास्टर्स का प्रोग्राम 1 साल का होता था तो 1 साल में तो 2 महीने तो छुट्टी दे देते हैं वो, और वो 3.5-4 महीने का वो सेमेस्टर उनका होता है, तो वो 3.5-3.5 महीने के 2 सेमेस्टर उसमें मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है। उनको चाहिए सिर्फ पैसा, जो बैचलर्स में उनको दे दो 40,000-50,000 pounds जमा करा दो उनको, वो खुश हो जाएंगे बस। उसके बाद आप वो 3-3 महीने के सेमेस्टर आप करते रहो, पढ़ो नहीं पढ़ो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुक सारी मतलब क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है ना कि कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कीप अप कर ही नहीं सकती। इवन मैं इस कोर्स में आपको जो चीज़ें पढ़ाऊँगा ना
वो आप उसकी बुक ढूंढ के दिखा दें, किसी बुक में नहीं होगा वो डेटा आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। हालांकि 2016 से ये चैटबॉट की फील्ड चली आ रही है, लेकिन चैट जीपीटी की प्रोग्रामिंग वो तो अभी आई है ना, अभी तो पिछले साल की बात है चैट जीपीटी तो ना, तो अब उसकी तो कोई बुक है ही नहीं और अगले 2-3 साल तक आएगी भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। वो इतनी नई चीज़ है कि कोई यूनिवर्सिटी क्या कोई बुक होगी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे ना, जब बुक ही नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो मशीन लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग इज़ द थिंग ऑफ पास्ट। क्यों? वो इस वजह से है कि मशीन लर्निंग में आपके पास होता है डेटा। अब वो डेटा आप लाएंगे कहाँ से, सबसे पहली तो बात ये है ना, हमें तो एज अ फ्रीलांसर छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बनानी है और बेचनी है प्रोडक्ट्स छोटी छोटी बना के, या किसी अगर मैं कंपनी में जाऊँगा तो वहाँ पर छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए छोटे बिजनेसेस इमर्ज हो रहे हैं इसके अंदर, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स बनानी है। अब वो एआई की जो मशीन लर्निंग वाली अप्रोच है ना, उसके अंदर तो मुझे डेटा चाहिए होता है, फिर उस डेटा की मैं करूँगा ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे चाहिए होती है रिसोर्स, अच्छे वाला कंप्यूटर चाहिए होता है मुझे। अब वो तो मेरे पास अगर नहीं है तो मैं फिर क्या करूँगा? फिर अब डेटा जितना ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा ट्रेन होता है। अब मैं डेटा इतना ज़्यादा लाऊंगा उतनी बड़ी मशीन चाहिए, अब उतनी बड़ी मशीन तो होती नहीं है नॉर्मली अवेलेबल। अगर मैं एक मतलब जो अभी 11th जनरेशन का जो है एलियनवेयर वगैरह, अब उस पर अगर मैं उसकी चला दूँ ट्रेनिंग, तो वो तो हफ्ते हफ्ते ट्रेनिंग चलती रहती है उसकी, अब इतनी बिजली लग जाती है उसमें, इतनी ह्यूमन रिसोर्स लग जाती है, और रिजल्ट उसका क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। और रिजल्ट ये आता है कि वो काली स्क्रीन पे आप एक इनपुट देते हैं, वो आपको 0 से लेके 1 तक का एक नंबर रिटर्न करता है, ठीक है? अच्छा, वो आपका एआई का मॉडल तैयार हो जाता है, फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल नहीं करते, उसको देते हैं किसी फ्रंट एंड डेवलपर को, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो वो अब चीज़ हो गई है थिंग ऑफ पास्ट, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इतने एआई के मॉडल ट्रेन कर लिए हैं ना कि वो सारे मॉडल अब यू नेम इट दे हैव इट, पहले से ये मॉडल ट्रेन हो के रखे हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पे चैटबॉट के अलावा क्या मतलब? नहीं, डेटा साइंस तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, डेटा साइंस का ये वाली जो बात मैं कर रहा हूँ इससे ताल्लुक नहीं है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ये दो अलग अलग बातें हैं। डेटा साइंस की, वैसे तो डेटा साइंस की इसमें भी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन डेटा साइंस की और भी इम्प्लीकेशंस हैं, वो ज़रा दूसरी साइड है, अभी वो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा इसको डेटा साइंस, क्योंकि वो ज़रा फिर बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो अब मुझे तो बातें करने में मज़ा आता है, तो मैं तो 2 घंटे की मैं 4 घंटे भी बोलता रहूँगा, और डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, तो मैं आपको पूरी एग्जाम्पल्स दूंगा कि जी वो जो इम्तियाज़ स्टोर जो खुले हुए हैं वहाँ पे, वो डेटा साइंस की वहाँ पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो डेटा वेयर हाउस वो पूरा बनाते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो वो चीज़ें तो मैं तो बोलता रहूँगा, मुझे मसला नहीं, लेकिन टाइम हमारा हो जाएगा ख़त्म। तो वेल, तो मैं ये बता रहा था कि मशीन लर्निंग इज़ द थिंग ऑफ पास्ट। तो ये बड़े बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं ना, गूगल, AWS, अमेज़ॉन, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर क्लाउड है, इन लोगों ने क्या किया, ये बड़े बड़े मॉडल ट्रेन करके रख लिए हैं पहले से, और चैट जीपीटी के आने से तो ये पूरा जर्नल लैंग्वेज मॉडल इन्होंने बना दिया कि ये बात करो डायरेक्ट इससे। अब जैसे हम पहले क्या करते थे कि यार एक फ़ोटो आती थी हमारे पास, हमने अब आइडेंटिफाई करना है कि ये मोबाइल फ़ोन है या कुछ और है, मोबाइल फ़ोन है या नहीं है, यस नो, क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ टेक्निकल बंदों को समझ आनी चाहिए, अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम। अब मेरे पास एक फ़ोटो आती है एआई के अंदर कि जी इसमें मैंने आइडेंटिफाई करना है ये मोबाइल है या नहीं, तो मैं क्या करता था, मुझे डेटा चाहिए होता था कि जी मुझे 1 मिलियन फ़ोटोज़ चाहिए, या कम से कम 40-50 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम पे तो वो चलेगा ही नहीं ना, उससे कम पे तो गलत बताएगा वो मोबाइल को बोलेगा नहीं ये मोबाइल नहीं है। मशीन लर्निंग के तो ये इशू है ना, न्यूरल नेटवर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे नया वाला जो है। तो अब मैं इतनी सारी फ़ोटोज़ कहाँ से लाऊँगा मैं मोबाइल फ़ोन की, वो भी अलग अलग, तो ये तो मसला है ना। अच्छा, फिर वो मैं ले आया वंस, अब उसको ट्रेनिंग करूँ मैं उसकी। हमारे पास अब ये AI का जो मॉडल है ना, पहले से ट्रेन हुआ हुआ रखा हुआ है, किसके पास? गूगल ने किया हुआ है ट्रेन, AWS ने किया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट Azure ने, ये तीनों बड़ी जायंट कंपनीज हैं, इन्होंने किया हुआ, उसके अलावा छोटी छोटी और भी बहुत सारी हैं। इन गूगल का है एक विजन API के नाम से, गूगल विजन, हम उसको फ़ोटो उठा के भेजते हैं, वो हमसे थोड़े से पैसे चार्ज करता है, गुड इनफ, इतने पैसे जो रीज़नेबल है, वो चार्ज करता है, मुझे उस पिक्चर के बारे में तमाम डिटेल बता देता है कि इस पिक्चर में जी कितने लोग खड़े हुए हैं, उनकी एज क्या है, उसमें से कितने लोगों ने फ़ोटो, कितने लोगों ने जो ग्लासेस लगाए हुए हैं, ठीक है, उनकी एज के ग्रुप्स क्या क्या हैं, ठीक है, कोई अगर मतलब बड़ी उम्र के लोग खड़े हुए हैं या बच्चे खड़े हुए हैं इसके अंदर, फिर उसमें बताता है कि अच्छा जी ये पीछे साइकिल भी खड़ी हुई है इसमें, ये कौन सा सीन है जी, पार्क है, वो इतना बड़ा सारा वो आपको रिस्पॉन्स देता है, और ईच एंड एवरी थिंग ना दैट इज़ पॉसिबल, ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी जो उस फोटो के अंदर आपको चाहिए हो सकती है, वो सब उसमें आपको जवाब देता है, और बहुत ही रीज़नेबल पैसों में देता है। तो
फोटोशॉप की तो इम्प्लीकेशन अलग हैं, ये मैं गूगल विजन API की बात कर रहा हूँ। गूगल विजन आप सर्च करेंगे ना तो उसमें ये आ जाएगा। हम इसको कोर्स में कवर तो नहीं करेंगे लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह गूगल स्पीच API है। अब आपके पास एक ऑडियो है, किसी ने बोला, ऑडियो आ गई आपके पास, क्योंकि चैटबॉट में तो उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, मैं कि जी बंदे ने बोला उस बात को समझे कैसे, हम उसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है उस ऑडियो को, तो मैं कैसे करूँगा? मैं अपना AI का मॉडल ट्रेन करूँगा इस तरह, तो मैं सारी ज़िंदगी फिर मॉडल ही ट्रेन करता रहूँगा। अभी दो तो यही हो गए, मैं ये दो मॉडल ट्रेन करने में ना साल, एक साल लगेगा बंदे को। ये जो दो मॉडल मैंने अभी भी बताया ना, ये दो मॉडल के एक में ये क्या है कि मोबाइल को यस नो बता दे, और दूसरा मॉडल के ऑडियो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। ये दो AI के मॉडल ट्रेन करने में ना एक साल लगेगा एक एक्सपीरियंस डेवलपर को, और जब भी वो सही काम नहीं करेगा, क्यों? वो तो गूगल ने तो पता नहीं 10-15 साल पहले बनाया था वो गूगल स्पीच API, तो आज का थोड़ी, वो तो 15 साल पहले बनाया था और कंटिन्यूसली हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है। तो जिस लेवल की आपको एक्यूरेसी गूगल स्पीच API से मिलेगी, वो आपके अपने ट्रेन किए हुए मॉडल से कभी भी नहीं मिलेगी आपको। तो यही वजह है कि अब हम अपना मॉडल ट्रेन नहीं करते हैं। मशीन लर्निंग इज़ द थिंग ऑफ पास्ट। पहले से ट्रेन हुए हुए मॉडल पड़े हुए हैं, लोगों ने बना के रखे हैं, और जो नहीं है वो नई कंपनीज आ रही हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो वाले मॉडल बना लेते हैं। आप इसी तरह आप देखें कि जी एक वॉइस ऑथेंटिकेशन करके एक फ़ीचर है कि जी एक मेरे पास दो ऑडियो आई है, दो ऑडियो फाइल, मैंने कॉम्पेयर करके बताना है कि एक ही बंदे की आवाज़ है या अलग अलग बंदे की आवाज़ है, इसकी API मौजूद है। तो ये सारी जो है ना हमारे पास AI की जो मशीन लर्निंग जो है ये हुई भी है, कर ली है किसी ने, हम जस्ट उसको अब इस्तेमाल करते हैं और हम एक एंड यूज़र ऐप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की जो AI होती है, इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं AI एज अ सर्विस, ठीक है, AISS करके होता है वो, अभी मुझे लिखने में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है, इस तरह AI एज अ सर्विस है कि जी किसी ने AI बना के रख लिए, हमें वो एज अ सर्विस बेच रहा है, हम उसकी AI को एज अ सर्विस इस्तेमाल करते हैं। ChatGPT itself जो है वो AI एज अ सर्विस है ना, किसी ने बना दिया, आपने तो नहीं बनाया, आप जिस बात करते हैं वो जवाब देता है, है ना। तो इस तरह AI एज अ सर्विस जो है, अब वो आज की डेट का जो AI है ना, वो AI एज अ सर्विस है। इस कोर्स में जो हमारा मेन फोकस होगा, चैट बॉट जो हम बनाएंगे, वो हम AI एज अ सर्विस को इस्तेमाल करते हुए चैट बॉट बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जितने जायंट्स हैं सब इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। OpenAI इस वक्त दुनिया की वन ऑफ दी बिगेस्ट कंपनी है जो AI एज अ सर्विस के ही ऑन द टॉप ऑफ AI एज अ सर्विस वो चल रही है, उसका और कोई मॉडल नहीं है। जैसे गूगल तो है ना, चलो गूगल का तो जीमेल भी चल रहा है और गूगल ड्राइव भी चल रहा है और पता नहीं और क्या क्या चल रहा है, लेकिन वो तो OpenAI जो है, जिसकी ChatGPT जो है जिसका, वो AI एज अ सर्विस पे ही उनका पूरा प्रोडक्ट है, और कोई चीज़ ही नहीं है उनके पास। तो ये समझ आ गया हमें। अच्छा, और भी ज़रा एक दो लोगों का इंट्रो लेते हैं जी, आप ज़रा प्लीज़। एना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप कम्प्लीट कर लिया आपने माशाल्लाह, 7th सेमेस्टर, गुड। 4 बजे वाली भी शुरू नहीं हुई है, होगी वो, अच्छा 7th सेमेस्टर है आपका, ज़बरदस्त। कंप्यूटर साइंस, हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ी होगी आप, अच्छा ज़बरदस्त यार, क्या बात है। और आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? अच्छा अच्छा, कहाँ से ये? अच्छा ऑनलाइन आपने कहीं ज्वाइन किया, गुड यार। यहाँ तो चार लोगों से मैंने पूछा है, चारों का ही कंप्यूटर साइंस का थोड़ा थोड़ा तो बैकग्राउंड है ही, ज़बरदस्त यार बैठे, क्या बात है। अच्छा यहाँ से भी अब रैंडमली किसी एक से मैं कहता हूँ जी, आप जी। अच्छा कॉलेज में क्या है आपका, इंटर कॉलेज में? अच्छा कंप्यूटर साइंस लिया आपने, गुड यार वेलडन, क्या बात है। तो वैसे आमतौर पर हमारे यहाँ रुझान नहीं है कि इंटर में तो लोग प्री इंजीनियरिंग वगैरह से करते हैं, फिर BS में जाके कंप्यूटर साइंस लेते हैं, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया। मैंने भी जो कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले लिया था, मैं वैसे मैट्रिक में भी कोशिश कर रहा था कंप्यूटर साइंस मिल जाए, लेकिन वो मेरे मोहल्ले में जो स्कूल था ना, जो हमारे अब्बा का बड़ा चहीता स्कूल था वो, क्यों हमारे अब्बा ने भी वहीं से पढ़ा था, तो हमारे अब्बा ने बोला भाई इसी स्कूल से पढ़ना है, उसमें कंप्यूटर साइंस नहीं था, वो कंप्यूटर साइंस वाला था भी नहीं वहाँ पर कोई ना, दूर था बहुत, तो इसलिए मुझे मैट्रिक में वो पढ़ना पड़ा बायोलॉजी वगैरह। तो उसके बाद फिर इंटर में जाके जो है ना कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव हुआ मैं जी। आप ज़रा वाइट जी। कार्डियोलॉजी, आप मेडिकल मतलब है? अच्छा आपका कंप्यूटर साइंस का तो कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरे ख्याल, सही है। अच्छा
हमें ना इस कोर्स में जो एलिजिबिलिटी है ना इस कोर्स की हमारी, वो ये कि आपको व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाना आता हो। अगर कोई भी बंदा ना आप में से ऐसा है जो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी तरह चला लेते हैं, एंड्रॉयड का फ़ोन अच्छी तरह चला लेते हैं, दैट्स गुड इनफ ना। आपको कंप्यूटर साइंस का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हम ये फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए तशरीफ में मैडम, प्लीज़ आप ज़रा इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। बजट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा बजट आप निकालती हैं। अच्छा ठीक है गुड ज़बरदस्त। बजट ये निकालती हैं भाई, देख लो सारे जो तुम सबके मोबाइल महंगे हुए ना। नहीं ये तो बस मजाक की बात है, वो तो आपकी जॉब है, आप उसको बेहतर तरीके से कर रही होंगी। और आपका कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड है? नहीं है। अच्छा इंशाल्लाह मिलके सीखेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा पीछे जो आपने मास्क लगाया हुआ जी, आप जरा खड़े होकर पीछे वालों को भी जरा सा एक इंट्रो लेते हैं ना, जोर से बोलना पड़ेगा आपको। बीएस बीकॉम? अच्छा बीएस लॉ। अच्छा गुड यार, वकील बनने वाली हैं आप। कितने हो गए आपका ये कंप्लीट? अच्छा लास्ट सेमेस्टर है बिल्कुल ये। दो साल कितने, चार साल का होता है? फाइव साल। अच्छा पाँच साल का, इसका मतलब है आप आठवें में, दो और होंगे अभी आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी सी लंबी है पढ़ाई है ना। हाँ लॉ मुश्किल भी है वैसे बहुत, लेकिन इंशाल्लाह ये एआई के आने की वजह से ना लॉ भी इतनी अब मुश्किल नहीं रहेगी, आसान हो जाएगी। क्योंकि लॉ में बेसिकली यानी जितना मुझे समझ आया, वैसे तो मैं लॉ का बंदा नहीं हूँ कंप्यूटर साइंस का हूँ, उसमें एक्चुअली प्रीवियस केसेस पे सारा दारोमदार होता है कि जी प्रीवियस, अच्छा जी इस तरह का केस है यहाँ पे, जी प्लॉट कब्जा था तो जी इस तरह की सिचुएशन फला सन में भी एक केस में हो चुकी है तो उसका नतीजा ये निकला था तो जी आप भी यही दे दें मुझे। तो बेसिकली जो है ना ज़्यादातर केसेस इस तरह से हैंडल हो जाते हैं लॉ के अंदर ना। तो ये तो वो केसेस का वो पूरा चैट जीपीटी पे लोगों ने बना दिया है, तो अभी मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं बनाया लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में बन गया है कि जी वो पाकिस्तान में जो 1947 से लेके जो जितने भी केसेस आज तक फाइल हुए ना वो सारा उसमें फीड कर दो एक दफ़ा। अब उससे पूछो आप कि यार ये मेरी सिचुएशन है, अब आप बताओ कि ये सिचुएशन कब हुई है, वो ढूंढ के आपको बता देता है कि जी ये फला फला सन में ये था जी नौशहरा फिरोज़ के अंदर ये इस तरह करके केस आया था और उसका जज ने जो फैसला दिया था जो क्या कहते हैं लार्जर बेंच था, तीन जजों का पैनल था, उसने ये फैसला दिया था, फिर बाद में उसको चैलेंज कर दिया, फिर चैलेंज पे भी वो रिजेक्ट हो गया, उसने बोला भाई सही फैसला है तो वो सही हो गया, तो इस तरह करके वो हो जाता है। तो अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास यहाँ पे एमबीए के भी लोग हैं, हमारे पास यहाँ पे लॉ के भी लोग हैं, हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी लोग हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी हमारे पास शोबे जात में यहाँ पे है। चैटबॉट जो है ना, जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो सारे काम मोबाइल ऐप से होते हैं वो सारे चैटबॉट से हो सकते हैं, तो आप सब लोग बड़ा कीमती एसेट साबित हो सकते हैं बाकी के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जब बनता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया का जब बनता है तो उसमें दो चीज़ें एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ये कि टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ना सॉफ्टवेयर बनाना आता हो, दूसरा डोमेन एक्सपर्टीज़ भी तो होती हैं कि जी अब जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होना है, तो अब जी मुझे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे क्या पता ऑपरेशन कैसे होता है, मुझे क्या पता कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है या कौन सी जो रीडिंग्स हैं जो क्रिटिकल हैं जो मुझे बड़ा बड़ा दिखना चाहिए रेड कलर में, कौन सी जो रीडिंग है जो मुझे शायद इतनी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटा दिखना चाहिए, अब वो एक स्क्रीन मैंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर दिखानी है तो उसके लिए तो मुझे भाई एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी ना। तो जो डोमेन एक्सपर्टीज है ना वो हो, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर भी, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो एक तो मेरे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स तो वहाँ होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जिस डोमेन का सॉफ्टवेयर होता है ना उस डोमेन का भी वो एक बंदा हायर करते हैं जिसको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर भी आता होता है, तो वो उसको साथ बिठाते हैं, वो सारी प्लानिंग में सारी चीज़ों में उसके मशवरे को वो इन्वॉल्व रखते हैं और इस तरह करके जो है ना एक सॉफ्टवेयर यानी मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। तो हमारे पास जो ये डाइवर्सिटी है ना, मैं इस वजह से ये बात जिक्र की है मैंने ख़ास तौर पे कि आप लोग ये ना समझें बिल्कुल भी कि यार हमारा तो कंप्यूटर साइंस का अगर बैकग्राउंड नहीं है तो वैसे तो मैं हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाऊँगा आपको, शुरू से हर चीज़ पढ़ाऊँगा आपको मैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके पास ये डाइवर्सिटी मौजूद है, क्योंकि वंस आप ये सीख गए ना बनाना अगर, तो आप डोमेन के भी एक्सपर्ट हैं और आप सॉफ्टवेयर के भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी खुद की प्रोडक्ट आप अकेले ही बना सकते हैं, अकेले तो वैसे नहीं बनानी चाहिए, लोगों को शामिल रखना चाहिए, क्योंकि अकेले यार फिर टाइम बहुत लग जाता है, असल गेम टाइम का भी है ना। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने में साल लग गया अगर, तो फिर वो साल बाद तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, दुनिया कहीं और निकल जाती है,
बेहतर ये है कि मैं 2 महीने में बना लूँ, 2-4 लोगों 2 महीने में बन जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जस्ट इन केस, तो आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ भी आपकी खुद की और सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी आपकी खुद की है, तो दैट्स मोर देन गुड इनफ ना। अच्छा जी, आप ज़रा अपना इंट्रो करवाएं फ्रंट पे। अच्छा बी एस कंप्यूटर साइंस। अच्छा कितने लोग यहाँ पे बैठ जाएँ, बैठ जाएँ, गुड, ज़बरदस्त। कितने लोग यहाँ पे और ऐसे हैं जो बी एस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं? दो और हैं बस, दो यहाँ पे फ्रंट पे दो। अच्छा तो तकरीबन टोटल हमारे पास कोई 10 के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं शायद जो कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है जिनका। 3 यहाँ पे हैं, 2 वहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, काइंड ऑफ 10 के करीब ऐसे लोग हैं। अच्छी बात है। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनका कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, जीरो बैकग्राउंड है? हाँ रेशो हमारे पास तकरीबन 50-50 है। अच्छा बिल्कुल लास्ट में जो बैठी हुई है खातून, आप प्लीज़ अपना इंट्रो करवाइएगा। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अच्छा मेडिकल की एक्सपर्टीज़ भी हमारे पास देखें मौजूद है, तो डाइवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे ना। सेकंड सेकंड ईयर है आपका, गुड, ज़बरदस्त। तो अच्छा आप सब लोग जो ये अलग अलग जगहों का बता रहे हैं कि जी हम यहाँ से हैं, जैसे नौशहरा से बताया दोस्त ने, तो आप लोग रहते तो यही है ना पेशावर में, या वहाँ से आते हैं डेली आप लोग? वहाँ से आते हैं? नौशहरा तो यहीं मेरे ख्याल है 40 किलोमीटर का फासला है या दूर है, लेकिन कुछ लोगों ने चार सद्दा वगैरह का भी नाम लिया था। आप वहाँ से आते हो? कितना है फासला है चार सद्दा का? सॉरी, एक से 1.5 घंटे का फासला है। हाँ नहीं, अच्छा खासा फासला है। सही, तो आप आते कैसे हो यहाँ पे, क्या कन्वेंस यूज़ करते हो? तो आप आते भी भाई के साथ हो, फिर भाई आपको वापस भी लेके जाएगा यहाँ से? जी सर। काफ़ी टफ रहेगा कि और आई सैल्यूट कि यार आप इतनी दूर से आप यहाँ आए और यहाँ पे आप आके जो है ना पहली क्लास है, आप अवेलेबल हो यहाँ पे, और माशाल्लाह सब लोग बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़ी एनर्जी के साथ जवाब दे रहे हैं, और ज़ाहिर है आप ये सोच कर ही आए हो कि आपने अगले 6 महीने तक यहाँ पे आना है। तो मैं ये कहूँगा कि जी आप अगर आ जाए हो तो आप अगले 8 महीने या 6 महीने भी आप आओगे यहाँ पर, और बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी इतला के लिए मैं बताऊँ कि मैं भी कराची से आऊँगा हर हफ्ते यहाँ पे फ्लाई करके, ठीक है, और फिर वापस जाऊँगा। तो आप सबसे दूर से मैं आता हूँ, लेकिन ये है कि मैं तो ज़रा फिर ये इन्होंने गाड़ी वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ, तो मुझे तो फ़ौरन वो पिक कर लेते हैं, तो मुझे शायद इतना मसला नहीं है। आप लोग बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ आ रहे हैं, तो जिस चीज़ के लिए बंदा कुर्बानी देता है ना, उस चीज़ की वैल्यू भी फिर ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आप लोग ना इस कोर्स ये कोर्स आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल रहेगा ना। अच्छा तो एक हम लास्ट बात कर लेते हैं आज। अच्छा सबसे पहले तो हमने एक काम और भी करना है कि इस क्लास का ना हमने एक ग्रुप बनाना है ना, इस क्लास का हमने एक ग्रुप बनाना है, तो वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलो बल्कि ग्रुप निकलते हुए बना लेंगे, निकल के ना क्योंकि प्रोजेक्टर तो यहाँ पे चल नहीं रहा फिलहाल, तो निकलते हुए ना मैं यहाँ पे QR कोड लगा दूंगा इस पे मेरे फ़ोन पे, तो आप उसको स्कैन करते करते एक एक करके आप बाहर चले जाना सब लोग। अच्छा एक लास्ट बात जो हम करके ना आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, हमारे पास आखिरी के 10-15 मिनट हैं। देखिए जी ये सारी बातें तो हो गई, सब कुछ हो गया कि जी सॉफ्टवेयर भी बना लिया, सब कुछ हो गया, और अपनी कंपनीज भी हमने खोल ली, फ्रीलांसिंग भी हमने कर ली। एक आखिरी बात वो ये रह गई है कि जो इल्म होता है ना, जो वो भाई अल्लाह के ख़जानों में से आता है, ठीक है, ये क्लियर कट बात है बिल्कुल। और मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि इल्म जो है ना इंसान के सीखने से नहीं आता, अल्लाह के ख़जानों में से आता है, ठीक है। अच्छा एफर्ट्स तो पुट करनी है आपने, ऑब्वियसली एफर्ट्स पुट करने का हुक्म भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है हमें, जब ही हम एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन कभी भी आपने ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करना, हमेशा अल्लाह से मांगना, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं अल्लाह से आपने इल्म तलब करना है, ठीक है। तो हमारे टीचर हैं, उन्होंने हमें एक दुआ सिखाई थी, मैं वो आपको सिखाता हूँ। आप गूगल पे लिखेंगे ना आबे जमजम पीने की दुआ, तो आ जाएगा ये। अच्छा क्या दुआ है वो? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्कन वासिया व शिफ़ा मिन कुल्ली दा। अब इसमें 3 चीज़ें अल्लाह से ना तलब कर रहे हैं इंसान। सबसे पहला नफ़े वाला इल्म,
अब नफे वाले इल्म, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जी इस तरह दुआ मांगनी है, तो नफे वाला इल्म तलब करना हमें बताया गया है। इसका मतलब है कि हर इल्म नफे वाला नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अल्लाह ताला से नफे वाला इल्म तलब करना है, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आपने साथ में अल्लाह से मांगना भी है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि आप एफर्ट्स पुट करना छोड़ दें और सिर्फ दुआओं के सहारे पे चलें, ये भी नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर एफर्ट भी रखा है, ठीक है। और इसकी भी ये भी मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये भी आप सल्लम ने ही हमें बात बताई है। तो पहली हमने बात की कि जो नफ़े वाले, नंबर दो वसअत वाला रिज़्क, रिज़्कन वासिया। अब ये जो रिज़्क का जो अम्ब्रेला है ना, कि एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना रिज़्क का, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। हम शायद सिर्फ रुपया पैसा जो है ना वो रिज़्क नहीं है शायद, या सिर्फ हम खाने पीने को शायद कोई बंदा अगर रिज़्क समझ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना आमतौर पे ये वाली बातें ज़रा इस तरह से एक्सप्लेन नहीं की जाती ना। तो और फिर ज़रा मौलवी साहब भी जो होते हैं वो एक अपने स्टाइल में बयान करते हैं और निकल जाते हैं ना, तो उनको नहीं पता होता कि बच्चों के जहन में क्या सवाल चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के तो जहन में क्या चल रहा है वो तो बिल्कुल ही नहीं पता होता उनको, क्योंकि वो तो मस्जिद का और घर का फासला आजकल बहुत बढ़ गया है, तो वो उनको पता ही नहीं होता। लेकिन मैं क्योंकि मैं आप जिस तरह आप बैठे हैं, मैं इस तरह इस लाइफ से मैं गुजर चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है गुजरे हुए, रिसेंटली गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि आप सब लोगों के जो जो यानी क्या सोच रहे होंगे आप लोग, किन चीज़ों का सामना हो रहा होगा आप लोगों को, तो मुझे किसी हद तक आइडिया है इसका। तो शायद हम एज अ यूथ ना, हम शायद सिर्फ रुपये पैसे को रिज़्क समझते हैं, और सिर्फ शायद हम खाने पीने वाली चीज़ों को शायद रिज़्क समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रिज़्क के अंदर ना बहुत सारी और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि अच्छे पड़ोसी, ये आपका रिज़्क है, ठीक है। ये अच्छा पड़ोसी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आप कैसे अच्छा पड़ोसी आप करेंगे कि जी आपने किसी बहुत अच्छे मोहल्ले में घर लिया, तो जी बहुत अच्छे मोहल्ले में तो फिर बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो पैसे वाले में कोई एक स्मगलर भी होगा फिर तो वो, या आपने चलो देखा कि अच्छा जी लेफ्ट पे पड़ोसी और राइट पे पड़ोसी अच्छे हैं, लेकिन उस गली में कोई एक ऐसा बंदा हो जो सबकी कसर पूरी कर देता है अकेला ही, है ना। तो अच्छा पड़ोसी, मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अच्छा पड़ोसी आप पैसों से नहीं खरीद सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर अच्छे से घर में आप रह रहे हैं वो आपका रिजल्ट है, ठीक है। आप के अच्छे दोस्त अगर हैं आपको अवेलेबल, है ना, अच्छे दोस्त हर किसी को अवेलेबल नहीं होते, है ना। आपके अच्छे भाई बहन आपके पास अवेलेबल हैं अगर, ठीक है, आपके माँ बाप अच्छे हैं अगर, तो ये आपका रिज़्क है। ये रिज़्क के अम्ब्रेला के अंदर ये आता है। तो ये वसअत वाले रिज़्क की जो बात हो रही है ना, तो ये उसमें ये सारी चीज़ें आप तलब कर रहे हैं असल में। आप सिर्फ रुपया पैसा नहीं तलब कर रहे, रुपया पैसा भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, इस अम्ब्रेला के अंदर, इसको मिला के आप ये सारी चीज़ें तलब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे किसी को अगर मारने वाली मम्मी मिल गई है, अगर वो मम्मी मारती है उसकी, तो बस वो तो मतलब मसला है ना वो तो एक। और अगर किसी की मम्मी अगर अच्छी है तो वो एक नेमत है। तो ये सारा रिज़्क के अंदर शामिल है, ठीक है। आप अगर जिस गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके जो जो रिलेटिव्स हैं, अगर अच्छे रिलेटिव्स आपको अवेलेबल हैं, हर किसी को नहीं अवेलेबल होते अच्छे रिलेटिव्स, तो इसी तरह आप जिस जगह पे रहते हैं अगर वो जगह पुरअमन है, वहाँ पे कोई चोरी डकैती नहीं होती, है ना, अच्छा अच्छे रोड्स आपके पास अवेलेबल हैं, अगर आपके पास एक अच्छा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, अच्छा टीचर आपको अगर अवेलेबल है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अच्छा टीचर और अच्छे स्टूडेंट ना नसीब से मिलते हैं। तो मतलब मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला से मुझे अच्छे स्टूडेंट अदा दे, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है ना, जाहिर है अगर एक टीचर अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहा है और स्टूडेंट सामने से रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर होता है एक टीचर के लिए, मैं समझता हूँ। और वो कहीं ना कहीं जो है ना बड़ा इस चीज़ को फील करता है एक टीचर। तो और इसी तरह स्टूडेंट के लिए भी है कि अगर स्टूडेंट को अगर अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं होता ना, वो सारी एफर्ट्स पुट करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता जो एक्सपेक्टेड होता है हर तरफ से। तो ये अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट अगर एक जगह पे इकट्ठे हो जाए ना, तो ये पैसों से नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह खुद ही करता है तो होता है, वरना नहीं होता ये, ठीक है। तो ये जो वसअत वाला रिज़्क जब आप मांगेंगे ना अल्लाह ताला से, तो इसका मतलब है कि आप ये सारी चीज़ें मांग रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। और वैसे भी दिल का सुकून जो है वो बड़ी चीज़ होती है, उसका पैसे से वैसे भी ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन दिल सुकून में नहीं होता उनका। कोई ऐसी छोटी सी एक बात होती है जिसकी वजह से वो
उनकी ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन होती है। तो वसत वाला रिज़्क आपने तलब करना है अल्लाह ताला से। और नंबर तीन है तमाम बीमारियों से शिफा, शिफा मिन कुल्ली दा। तो ये तीन आप सोचे ना कि बंदे के पास नफ़े वाला इल्म हो, जिससे नफ़े वाला इल्म का मतलब कि उसकी डिमांड हो, भाई लोग उससे बोलते हैं कि यार अब जैसे कोई बंदा है पायलट है जहाज़ चलाना जानता है, तो यार वो नफ़े वाला इल्म है ना, तो लोग उसको बोलेंगे कि यार आए आप ज़रा जहाज़ वहाज़ चलाएँ हम ट्रैवल तो करें, तो उसकी एक डिमांड होगी। नफ़े वाला इल्म बंदे के पास है, रिज़्क उसके पास वसत वाला है, और बीमारी से शिफा है उसके पास, तमाम बीमारियों से शिफा याब है वो। जैसे आप सब लोग माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, सारे लोग शिफा याब हैं, कोई बीमारी नहीं है फिज़िकल आपको। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो यार इससे दुनिया की जो दुनियावी ज़रूरियात है ना, वो मेरा ख्याल है 99% ये यही है, इसी के अम्ब्रेला के अंदर आता है, तो ये सारे मसले हल हो गए। तो ये आपने अल्लाह ताला से तलब करना है और ये ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि इल्म वो चीज़ है। और इल्म जो है ना, इसमें सबसे टॉप पे देखें, पहली बात इल्म की बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है उसमें पहली बात इल्म की बताई है, क्योंकि इल्म वो चीज़ है जो जिसका जो मौलाना तारिक जमील साहब जिक्र करते हैं कि यार इल्म का जो गरूर होता है ना, जो घमंड होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि पैसे का भी घमंड होता है, लेकिन पैसे वाले को पता होता है कि मेरा पैसा जा भी सकता है, जिस तरह आया है ना उस तरह ये जा भी सकता है, कोई छीन भी सकता है, कोई गवर्नमेंट जब्त कर लेती है यार लोगों के पैसे, इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जी, वो जो ब्लैकलिस्ट कर दिया जी उन्होंने, तो और गवर्नमेंट ने सब जब्त कर लिया और रोड पे आ गए, तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है आन की आन में। अच्छा, फिर जो एक खूबसूरती का भी एक घमंड होता है, लेकिन वो भी बंदे को पता होता है कि जी अगर मैं अगर कोई बहुत खूबसूरत हूँ तो मुझे पता है हमेशा नहीं रहूँगा मैं, एक दिन ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, टाइम के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है चीज़, ये बंदे को पता होता है। लेकिन इल्म वाला जो बंदा होता है ना, उसको ये पता होता है कि यार ये तो मुझसे कुछ ही नहीं सकता, और मैं जितना ज़्यादा बांटूंगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा ये, यानी जब ये डिस्कशन करूँगा मैं किसी को सिखाऊँगा तो वो बढ़ेगा कम होने के बजाय। तो इल्म का जो घमंड होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आपने जब आप इल्म हासिल करेंगे तो आपने मगरूर भी नहीं होना, ठीक है। आपने जो फलदार दरख्त होता है वो हमेशा झुका रहता है, ठीक है। जो आप जो सेब का दरख्त होता है ना, सेब का दरख्त जो होता है, एक दफ़ा मैं कोयटा गया तो वहाँ पर मैंने देखा, जो हम एक रोड से गुजर रहे थे, दोनों तरफ झाड़ियाँ थी वहाँ पर, और झाड़ियों के साथ ना वो बड़े बड़े वो लकड़ी के पीसेस पड़े हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या है, ये इतनी जंगल इतनी सारी झाड़ियाँ, ये क्या चीज़ है? उसने कहा ये झाड़ियाँ नहीं है, ये सेब का दरख्त है। इसने कहा अभी मौसम नहीं है सेब का, अभी जब ये सेब का मौसम आएगा तो इसमें पत्ते भी निकल आएंगे और इसमें सेब का फल भी आ जाएगा, और ये जो लकड़ी के पीसेस पड़े हैं ना, बड़े बड़े फट्टे जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो जब सेब के दरख्त में फल लगता है तो वो इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि वो झुक जाता है, और झुक के वो टूट ना जाए इसकी वजह से उसके नीचे वो सहारे के तौर पे ना वो लगा देते हैं। तो आप सोचें, जो दरख्त जितना ज़्यादा फलदार होता है वो उतना ज़्यादा झुका हुआ होता है, ठीक है, और जो दरख्त सीधा खड़ा हुआ होता है इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर कुछ भी फल नहीं है, वो बग़ैर फल वाला दरख्त है, ठीक है। तो आपने क्या होना है, हमेशा एक फलदार दरख्त की हैसियत से आपने हमेशा झुक के रहना है। अगर सामने से कोई आपको कोई उल्टी बात भी कह दे तो आपने उसको बर्दाश्त करना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर अगर आप अभी इंशाल्लाह ये ग्रुप भी आपका बन जाएगा व्हाट्सएप का, जिसमें सिर्फ इस क्लास में जो लोग मौजूद हैं वही होंगे, कोई और नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई ऐसी स्टूडेंट है जो आज मौजूद नहीं है तो वो जब आएंगी तो फिर ही ऐड होगी, ऐसे नहीं होगी वो, ठीक है। तो ग्रुप में या यहाँ इस क्लास में मौजूद आपको आपस में ये इजाज़त नहीं होगी कि कोई भी एक दूसरे से किसी भी किस्म की बदतमीज़ी करे, आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, ठीक है। एक दूसरे का कोई बुली करे, कोई मजाक उड़ाए, या किसी ने कोई सवाल ऐसा पूछा है अगर कि जी कोई बहुत बेसिक सवाल किसी ने पूछा है अगर, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते कि जी ये तो बिल्कुल ये तो हर किसी को पता है ये बात, इस तरह की आप उसकी हेल्प करेंगे आइदर, या आइदर आप खामोश रहेंगे, ठीक है। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप खामोश रहेंगे सर ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्टिव माहौल हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप एक दूसरे से बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बात करेंगे। अगर किसी ने कोई आपको ऐसी बात कह भी दी है तो आप उसको कोशिश करेंगे बर्दाश्त कर लें, ठीक है। तो उससे होगा ये कि हमारा ये माहौल जो है ना हेल्दी होगा, माहौल जितना हेल्दी हो उतना अच्छा है, उतना जितना कंस्ट्रक्टिव हो उतना अच्छा है, बजाय इसके कि डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। तो ये मैंने सारी बातें कर दी, छोटी छोटी जो बातें थी जो हमने करनी थी आज की डेट में। मेरी आज की क्लास का जो टारगेट था वो ये था कि ज़रा आपसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो जाए, आप कंफर्टेबल हो जाएं,
और मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ, ठीक है? तो वो आई थिंक हमारा अचीव हो गया एटलीस्ट आज का. अब आज की क्लास का जो असाइनमेंट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है. वो मैं ग्रुप में, अभी आप लोग सब ऐड हो जाएंगे तो वो भी ग्रुप में भी लिख दूंगा मैं. दो वेबसाइट है जिसमें आपने अकाउंट बनाना है. नंबर एक वेबसाइट linkedin.com, ठीक है, linkedin.com. मैं ग्रुप में बता दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ग्रुप में लिख के बता दूंगा, नो प्रॉब्लम. अच्छा, एक तो linkedin.com है, दूसरा है github.com. अच्छा, github.com बाद में हम देखते हैं क्या है. लिंकडिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये है क्या चीज़. linkedin.com इज़ जस्ट लाइक अ फेसबुक, वो जस्ट लाइक फेसबुक है. तो उसमें आप क्या करते हैं कि जैसे फेसबुक में पोस्ट करते हैं इसी तरह उसमें पोस्ट करते हैं आप, और जो दूसरे लोग आते हैं वो लाइक करते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं, दैट्स इट. लेकिन उसकी अच्छी बात ये है linkedin.com की कि जब उस पर आप साइन अप करते हैं तो वो एक्चुअली पूरी आपकी CV बन रही होती है. वो पूरी की पूरी आपकी CV बन रही होती है, ठीक है? पहले अमेरिका में ना दुकानें होती थी, जॉब बेचने की दुकानें होती थी, है ना? तो जॉब बेचने की दुकानें, जैसे अब यहाँ पाकिस्तान से कोई गया, लंदन गया, अमेरिका गया, तो वहाँ पे अब उसको जॉब चाहिए, तो वो उस दुकान में जाता था जॉब खरीदने. तो वो उसको बताता था, अच्छा जी मैंने इंटर किया भाई, या मैंने फला चीज़ पढ़ाई की हुई है, तो मेरे लायक मुझे कोई जॉब बताएं. तो वो उसके पास खातों में, जैसे होता है ना हमारे यहाँ, अगर किसी को किराए का मकान चाहिए तो रियल इस्टेट वाले के पास जाता है, इस्टेट एजेंट के पास, कहता है यार इस मोहल्ले में कोई बताओ, तो उसके पास होता है वो खाते में लिखा हुआ. अच्छा, कहाँ से आता है? लोग खुद आके बता के जाते हैं कि जी हमारा ये मकान है, इसको किराए पर लगवा दो. तो इसी तरह उसके पास भी ना दुकान वाले की, ये आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि जॉब बेचने की दुकान होती थी, तो उसके पास भी आती थी कंपनीज, और कंपनीज आके उसको बोलती थी कि यार ये हमें भाई, हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, 200 लोग चाहिए हमें जो कपड़े का काम करना जानते हो, ये फला फला मशीन चलाना जानते हो. वो कहता था ठीक है जी मिल जाएगा 200, पैसे लेता था. तो कंपनी से भी पैसे लेता था, इधर जो जॉब खरीदने जाता उससे भी पैसे लेता था, दोनों साइड से पैसे लेता था, और उसके सही मज़े लगे हुए थे. लेकिन linkedin.com के आने के बाद उसके मज़े ख़त्म हो गए. वो जॉब की दुकानें अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो काम linkedin.com के ऊपर होता है. अच्छा, क्या होता है उसके ऊपर? आप जब साइन अप करते हैं, जैसे फेसबुक पे भी लिखते हैं ना, अबाउट में अपने बारे में लिखते हैं, फ़ोन नंबर भी लिखते हैं, और वो के जी कराची से हूँ मैं या पेशावर से हूँ, है ना, कहाँ, तो छोटी छोटी ये डिटेल तो अबाउट में आप फेसबुक पे भी लिखते हैं. इसमें ज़रा ज़्यादा है वो, इसमें जो पूछता है कि जी आपने पढ़ाई क्या की हुई है, कितने कितने साल आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, और उसमें क्या नंबर वगैरह आपके है, वो सारा आप इसमें लिख रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह इसमें आप लिख रहे होते हैं कि जी आपके जॉब एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ आपने कितने कितने टाइम जॉब की, क्या काम करते थे वहाँ पे आप. तो जो CV में लिखने वाली जो तमाम डिटेल है ना, वो आप इसमें लिख रहे होते हैं. अच्छा, नतीजा क्या होता है उसका? उसका नतीजा ये होता है कि किसी फैक्ट्री में अगर 200 लोग उसको चाहिए जो जावास्क्रिप्ट का काम जानते हो, जावास्क्रिप्ट से सॉफ्टवेयर बनाना जानते हो, तो वो लिंक्डइन पे आके लिखेगा जावास्क्रिप्ट, साथ में लिखेगा पेशावर, तो वो सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी जो पेशावर में रहते होंगे, उनको जावास्क्रिप्ट आती होगी, एक एक करके कॉल करेगा, हायरिंग हो गई, दैट्स इट. पहले तो ये ऑप्शन था ही नहीं उसके पास, पहले तो उसको जॉब वाली जो दुकान थी उसके पास जाना पड़ता था, और वो सारा डेटा थोड़ी देगा. वो कहता अच्छा 200 हैं, ये लो 200 गिन के देगा, 200 के पैसे लेगा. अब उन 200 में से 200 काम के थोड़ी होंगे, उनका इंटरव्यू लो तो शायद 5-6 लोग ही उसमें ढंग के निकलेंगे, बाकी सारे कम ढंग के नहीं निकलेंगे. इसमें तो यार ये अब मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट तो पूरे पाकिस्तान से मेरे पास पता नहीं 10,000 प्रोफाइलें ला के दे देगा मुझे. अब करते रहो इंटरव्यू सबका, निकालते रहो उसमें से अच्छे बंदे. तो हमने ये सीखा कि linkedin.com अब जॉब बेचने की दुकान है, बिल्कुल फेसबुक की तरह, कोई फ़र्क नहीं है. अच्छा, तो सब आप सब लोग क्या करेंगे, अब लिंकडिन के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे. जब अगली क्लास में आप आएंगे तो आपका linkedin.com के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, जस्ट अकाउंट. अभी उसमें वो सारी डिटेल में डालने नहीं कह रहा, वो तो आप आहिस्ता आहिस्ता जब चलाएंगे तो खुद ही आप सीख जाएंगे. लेकिन जस्ट अभी अकाउंट आपका होना चाहिए कि आपका उसमें नाम लिखा हुआ, आपकी फ़ोटो, आपकी छोटी मोटी डिटेल की, आपने क्या पढ़ाई की हुई है, वो बस उसके अंदर, दैट्स. तो सिर्फ आपका ये अकाउंट होने से आपकी जो जॉब लगने के चांसेस हैं वो खुद ही बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक. अब जैसे एक खातून ने कहा कि जी मैं MBA हूँ, ठीक है, एक ने कहा कि जी मैं कंप्यूटर साइंस की हूँ, एक ने कहा कि जी मैं मेडिकल की हूँ. अब जी किसी को जो है ना डेंटल सर्जन चाहिए, किसी जगह चाहिए, कोई क्लिनिक खुल रहा है वहाँ पे सारे शोबे हैं, तो डेंटल सर्जन भी चाहिए वहाँ पे. अब वो डेंटल सर्जन कहाँ से लाएगा? वो जाएगा लिंक्डइन पे, लिखेगा डेंटल सर्जन, लिस्ट आ जाएगी, और साथ में लिख देगा पेशावर, तो पेशावर के सारे डेंटल सर्जन आ जाएंगे उसमें. अब वो एक एक करके फ़ोन करके उसने इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है, दैट्स इट. किसी को चाहिए कोई भी जॉब हो सकती है, मिसाल के तौर पर किसी को वकील चाहिए. वकील जो है वो कंपनी में हायर भी तो करते हैं ना लोग, जैसे शेल की कंपनी है उसमें हमारे दोस्त थे, तो वो बता रहे थे जिस डिपार्टमेंट वो खुद भी वकील हैं, वो
तो वो जिस डिपार्टमेंट में, वो कह रहा था वकीलों की जन्नत है वो, जिधर देखो वकील ही वकील होते हैं वहाँ. तो वो उन्होंने ना पता नहीं 40-50 उन्होंने वकील भर्ती किए हैं जो डेली बेसिस पे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है तो डेली बेसिस पे लोग उन पे केसेस करते हैं, ये उनका जवाब देते हैं. अब पता नहीं कौन केसेस करता है, मैंने तो नहीं देखा किसी को, लेकिन वो कह रहा था कि यार डेली बेसिस पे लोग केसेस करते हैं हमारे ऊपर, डिफरेंट मामलात में सू करते हैं हमें, तो हम उनका जवाब देते हैं यहाँ से. तो वो रखे हुए भाई वकील उन्होंने. तो इस तरह अगर किसी को वकील चाहिए वो क्या करेगा, वो जाएगा LinkedIn.com पे और वहाँ पे जाके लिखेगा कि जी लॉयर. अच्छा वहाँ पे LinkedIn.com में मुझे वकीलों वकीलों का तो नहीं पता, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हायरिंग बहुत हो रही है आजकल. जावास्क्रिप्ट लिखो आप, उसके ऊपर जाके लिखो रिएक्ट, आप उस पर लिखो चैट बॉट, तो सारे आ जाएंगे और लिस्ट आप सबको हायर कर लो. तो ये जितने भी कंपनीज है ना, अब ये फ्री में इधर मिल जाता है तो अब कौन जाएगा. HR का डिपार्टमेंट तो अब साइड पे हो गया है, HR का पूरा डिपार्टमेंट LinkedIn के ऊपर चलता है एक्चुअली. ठीक है, तो LinkedIn के ऊपर आप सब लोगों ने क्या करना है, अपना अकाउंट बना लेना है, और GitHub.com के ऊपर भी अपना अकाउंट बना लेना है. ठीक है, अच्छा ये बात हो गई हमारी. और एक बात मैं भी क्या सोच रहा था भूल गया. हाँ एक आखिरी बात, इस क्लास में हम जो पढ़ाई करेंगे GitHub.com, ये मैं लिख दूंगा वेबसाइट का नाम ना ग्रुप में लिख दूंगा. अभी आप सब लोग इसमें ऐड हो जाएंगे ना ग्रुप में, तो वो व्हाट्सएप में अब मैं वो नाम लिख दूंगा, तो कोई मसला नहीं है, अगर आप भूल भी जाएं तो उसमें आ जाएगा. अच्छा एक आखिरी बात कि इस क्लास में जो है ना पढ़ाई, क्या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, इसका जवाब है नहीं. हम इस क्लास में करेंगे थोड़ी सी पढ़ाई, डेली बेसिस पे करेंगे, हर क्लास में हम करेंगे पढ़ाई, लेकिन थोड़ी सी करेंगे. थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जितनी पढ़ाई की है ना उसका डबल प्रैक्टिस करेंगे हम, जितनी पढ़ाई की है उसका डबल हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बन के तैयार हो जाएगा, कुछ दिखने लगेगा स्क्रीन पे कि अच्छा जी एक वेबसाइट बन गई है, कुछ तो होगा, कोई जो असाइनमेंट दूंगा वो दिखेगा तो सही ना स्क्रीन पे कि कुछ बना है. अच्छा तो जितनी प्रैक्टिस की है उसकी डबल उसकी हम मार्केटिंग करेंगे. ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे हर क्लास में, उसकी डबल प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी प्रैक्टिस की है उसकी डबल उसकी हम मार्केटिंग करेंगे. अच्छा मार्केटिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग हम ऐसे करेंगे कि LinkedIn.com के ऊपर उसको पोस्ट कर देंगे. अच्छा इसी तरह GitHub है, अभी GitHub में भी आप अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ अकाउंट बनाना है अभी फिलहाल, और कुछ भी नहीं करना. अब बाकी क्या करना है वो मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कोई मसला नहीं. GitHub के ऊपर उसको शेयर कर देंगे हम. अच्छा फिर उसको Facebook पे भी शेयर कर देंगे, TikTok पे शेयर करें, TikTok बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है. शुरू में तो पहले एंटरटेनमेंट ही होती थी, लेकिन अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सेट हो रही हैं उसके ऊपर. तो TikTok बड़ा अच्छा मार्केटिंग का टूल अब बनता जा रहा है. ठीक है, TikTok शॉप्स भी उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, खातून ने बताया पाकिस्तान में भी आ चुका है अभी. ठीक है, मुझे लगा था कि पाकिस्तान में अभी तक इन्होंने TikTok शॉप्स को लॉन्च नहीं किया. वेल तो हमने मार्केटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में बैठ के आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करें ना, किसी को क्या पता, इस क्लास में आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करें, या तो मुझे पता होगा या तो आपके साथ बैठे आपके दोस्तों को पता होगा, आपके क्लास फेलोज को, है ना. तो वो तो खुद भी वो हायरिंग थोड़ी करेंगे आपके जो क्लास फेलो है, आपको आपके क्लास फेलो थोड़ी हायर करेंगे, वो तो कोई बाहर बैठा हुआ है बंदा जो आपको हायर करेगा. ठीक है, आया कि वो ऑन साइट कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो. अच्छा आजकल पाकिस्तान के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर होगा ना, वो भी रिमोट जॉब्स लॉन्च करते हैं ना, यानी कंपनी होती पाकिस्तान के अंदर है, वो कहते हैं रिमोट जॉब है, बस आप एक दिन यहाँ पे आओ, हाइब्रिड है जिसमें एक या दो दिन बुलाते हैं, एक कम्प्लीटली रिमोट है जिसमें आपको कभी भी जाना नहीं होता, इंटरव्यू तक आपको ऑनलाइन होता है. तो पाकिस्तान में मौजूद सॉफ्टवेयर हाउस भी ऑनलाइन काम उन्होंने देना शुरू कर दिया है. कोविड में ये हमारे पास आया है कि जी कोविड के बाद ना इनको पता लग गया है कि जी अच्छा जी रिमोट जॉब भी हो सकती है, रिमोट भी सारे काम किए जा सकते हैं, तो रिमोट जॉब देना शुरू कर दिया. तो उन लोगों को तो दिखना चाहिए ना, हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे हमें उसका शोर मचाना है, हमें उसको चीख चीख के सब लोगों को बताना है कि हमने ये काम किया. अच्छा और इसमें बिल्कुल भी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मार्केटिंग करने में आपने बिल्कुल बेशरम हो जाना है, अपनी मार्केटिंग में आपको बिल्कुल बेशरम होना है. आप सोचेंगे यार कि मैंने तो अभी तो अच्छा एक छोटी सी मैंने तो बनाई है अभी वेबसाइट, अभी तो मैंने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है एक लाइन का, अब इसको मैं क्या लिंक्डइन पर डालूँ, लोग कहेंगे लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं, बोलेंगे यार इतनी सी चीज़ बनाई है उसका इतना शोर कर रही है ये, तो आपको बिल्कुल बेशरम हो जाना भाई, बोलने दो, सही है बोलने दो. तो मार्केटिंग आपने करनी है एटलीस्ट उस हेलो वर्ल्ड को देख के, ये तो पता लगेगा किसी को कि आपने सीखना शुरू कर दिया है, तो यही तो बताना है. और आपसे जब कोई पूछे ना कि आप क्या करते हैं, तो आपके पास एक तीन चार लाइन का ना एक अपना इंट्रोडक्शन, आपका खुद का इंट्रोडक्शन ना आपको याद होना चाहिए, है ना. अच्छा कुछ तो बंदे होते हैं मेरे जैसे बड़े बातूनी होते हैं,
कुछ भी बोलवाते रहो उनसे, बस बोलते रहेंगे, चुप ही नहीं होते। अच्छा कुछ ज़रा होते हैं, ज़रा कम बोलते हैं, तो उनके लिए मेरा मशवरा है वो याद कर लो, बना के ना एक दफ़ा अच्छे से लिख के सोच समझ के उसको याद कर लो कि जी माई नेम इज़ फला फला और मैं ये बी एस कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, या जो मैं लॉ कर रही हूँ, और मैं साथ में एस एम आई टी पेशावर कैंपस से मैं ए आई का कोर्स भी कर रही हूँ और उसमें हम चैट बॉट बनाते हैं। अपने बारे में ना पूरा एक तीन चार जुमले आपको रटा हुआ होना चाहिए, रेडी होना चाहिए आपके पास, ताकि कभी भी आपके हाथ में माइक आए या कोई ऐसी सिचुएशन आए, कहीं आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताएं। अच्छा जिससे भी मिले ना उससे भी पूछा करें कि यार आप क्या करते हो, तो और उसको वो सब आपसे भी पूछेगा फिर, तो आप उसको अपने बारे में बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं हमसे मिलते हैं, दुआ सलाम होती है उनसे, लेकिन हमें नहीं पता होता वो क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता कि यार उनका अपना बिजनेस तो नहीं कर रहे कहीं वो। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो आपको हायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन वो पता जब ही चलेगा जब आप उनसे पूछेंगे और जब आप अपने बारे में उनको बताएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी मार्केटिंग करनी है। अच्छा तो सबसे पहली मार्केटिंग तो अभी यहाँ करते हैं। अच्छा मैं भी आपकी मार्केटिंग करूँगा। मैं कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि अभी तो मैं ये खोल के ना वीडियो फेसबुक पे लाइव आके ऐसे और यूँ आपकी सबकी दिखा दूँगा कि जी ये हमारी पहली क्लास आज हो गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब जाहिर है हर क्लास में असाइनमेंट मिलेगा आपको, तो हर क्लास में असाइनमेंट जब आपको मिलेगा तो वो आप बनाकर जब लाएंगे, तो जो अच्छा असाइनमेंट बनाकर लाएगा तो मैं इसी तरह फेसबुक लाइव पे आके और मैं दिखाऊंगा कि अच्छा जी आप दिखाएं क्या बनाया आपने, वो पूरा कि जी अच्छा ये बनाया है, उसको क्लिक करके चला के आप दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पे ना कंप्यूटर पे, और फिर आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो आपको वो याद, आपको पता होना चाहिए मैंने अपने बारे में क्या बताना है, तो आपने पहले अपना इंट्रो कराएंगे, आप वो अपना असाइनमेंट चेक करवाएंगे और वो फिर फेसबुक पे लाइव चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब लोगों का जाहिर नहीं हो सकता, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे ये मैं उनकी मार्केटिंग करूँगा। अच्छा बाकी लोगों को अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी, ये आप समझ लें मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड होगा आपके लिए जो अच्छा परफॉर्म करें उन लोगों के लिए। अच्छा जी तो रेडी हैं आप, हो जाए मार्केटिंग सबसे पहली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं SMIT पेशावर कैंपस में और हमारी ये AI चैटबॉट की क्लास है, पहली क्लास है हमारी ये। अच्छा इन सब की मैं आपको ज़रा शक्लें दिखा देता हूँ। अच्छा ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा ये पहली क्लास में आपने देख लिया, ये सारे लोग बैठे हैं, ये सारे लोग AI चैटबॉट पढ़ेंगे, यहाँ पे वॉइस एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना रहे होंगे। अच्छा और जैसे जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस होगी क्लास की तो वो भी मैं आपको इसी तरह वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा यहाँ पे, कि जब भी ये कोई असाइनमेंट इनको दिया जाएगा, जब ये बना कर लाएंगे जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी स्क्रीन पे जाके मैं और वो असाइनमेंट मैं आपको दिखाऊँगा कि उन्होंने क्या बनाया है। चलिए जी फिर मुलाकात रहेगी। चलिए जी बाय। अच्छा ये हो गया, कितनी आसानी से हुआ। अच्छा अब इस वीडियो से जो भी इसको देखेगा, क्योंकि ये टिकटॉक पे जब मैं लगाऊंगा पेशावर नाम लिख के तो वो पेशावर के अंदर दिखेगा, लोगों को ये पता लग जाएगा यहाँ पे कोई कोर्स हो रहा है AI चैटबॉट। हाँ मेरा नाम लिखेंगे इंजमाम मलिक तो आ जाएगा। तो जब ये वीडियो फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम, ये सारे जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छा हमें सब पे मार्केटिंग करनी है। हमें नहीं पता कि कहाँ पे कौन, कहाँ से हमें जो है ना हायरिंग मिल जाए या कहाँ से हमें हेल्प मिल जाए, कहाँ से हम जो है ना हाइप मिल जाए, तो हम सब जगह इसको मार्केट करेंगे। ठीक है, जो भी आपने आज के बाद ये आप तहैया कर लें कि आपने जो भी छोटे से छोटा काम भी करना है आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास सोशल मीडिया है इस वक्त। ठीक है, सोशल मीडिया से ज़्यादा पावरफुल इस वक्त कोई चीज़ नहीं है मार्केटिंग के सेंस में। ठीक है, तो ये जी हमारे पास हो गया, मेरा ख्याल है एवरीथिंग इज़ कवर्ड। और लास्ट अब मैं आपका क्या कर देता हूँ, एक ग्रुप बना देता हूँ और जी नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मसला तो शायद होगा, वो रीज़न उसका ये है कि अनाउंसमेंट सारी इसमें आ रही होंगी ना, ये कम असल में फेसबुक का जो पेज है ना वो तो इन जनरल उसमें अनाउंसमेंट्स आ रही होती नए कोर्सेज वगैरह की ना। अब देखें यहाँ पे ना सेक्शन कितने चल रहे हैं, सुबह 9 से रात 10 बजे तक दो दो घंटे के पता नहीं 6-7 सेक्शन चल रहे हैं, तो वो हर सेक्शन का ना एक ग्रुप है कि मिसाल के तौर पे अगर इस टाइमिंग पे अगर मैं कभी अनअवेलेबल हो गया या कुछ इस तरह की चीज़
कभी सिर्फ इस सेक्शन के लिए हुई तो फिर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। तो इस चीज़ के लिए हर क्लास का एक ग्रुप हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप में लेकिन सिर्फ वही लोग होंगे जो यहाँ बैठे हैं वैसे, और उस यहाँ इस क्लास के अलावा कोई नहीं होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसी क्लास में इनरोल है लेकिन वो आज मौजूद नहीं है तो वो भी इसमें नहीं होगा। वो जब आएगा अगली क्लास में स्टूडेंट वो, तो जब ही वो ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि जी AI चैट बॉट अच्छा जी, ये मैंने बना दिया AI चैट बॉट। अटेंडेंस ये मैनेजमेंट वाले आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग ये करें कि अगर किसी का कोई सवाल है अगर फाइनली, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग एक एक करके आते जाएं यहाँ पर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ ये स्कैन कैसे होगा, ज़रा एक दफ़ा वहीं पर रुक के ना ज़रा देख लें ये स्कैन होगा कैसे। हाँ ना, मैं अभी एक मिनट में इसको आपको। अच्छा, ये आपने जानी है, आपने जाना है सेटिंग में। ये सेटिंग में आप आ गए। सेटिंग में जब आप जाएंगे ना तो आपकी जहाँ पे फोटो नज़र आ रही है ना उसके पड़ोस में एक छोटा सा चकोर सा बॉक्स बना हुआ है, QR कोड बना हुआ है एक्चुअली। इस QR कोड पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। ये आपका खुद का QR कोड है आपकी प्रोफाइल में। अच्छा, इसी में एक स्कैन का भी बटन आ रहा है ऊपर, छोटा सा यहाँ पे टॉप पे स्कैन का बटन आ रहा है। जब मैं स्कैन का बटन दबाऊंगा तो कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। ऐसी स्क्रीन जब आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पे आएंगे मेरे डेस्क पे, ये स्क्रीन वहाँ से आपने करके लानी है। मेरे डेस्क पे आप आएंगे और इस कोड को स्कैन करेंगे और आपके सामने ज्वाइन का बटन आएगा, वो प्रेस करेंगे, ज्वाइन हो जाएगा। वो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो फिर कर लेंगे जी। अपना लैपटॉप बिल्कुल अगर आपके पास है तो आपने ले कर आना है अपना। सॉरी, कल से, कल आपकी सेकंड क्लास कल है ना आपकी। चलें जी, एक एक करके आते जाएं और इसको स्कैन करते जाएं। जो जिसके पास आज मोबाइल नहीं है वो अगली क्लास में जब आएगा तो वो उस वक्त हम देख लेंगे उसको।